चलो वेल वेलकम टू सी इंटरमीडिएट हाँ चले गए दिस इज सी हर्ष गुप्ता एंड आई एम रिस्पॉसिबल फॉर योर पेपर नंबर टू इन दिस न्यू करिकुलम ऑफ आई सी आई पेपर का नाम आपका क्या है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई है कुछ भी आगे पढ़े या कुछ भी बातें करें उससे पहले uh, एक हैंड आउट आप सबको मिल गया होगा इन केस किसी स्टूडेंट को अगर हैंड आउट नहीं मिला आप अपने प्लेस पर प्लीज़ खड़े हो जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली हैंड आउट आ जाएगा तो भी आप प्लीज़ हैंड आउट दीजिएगा एंड जितने भी हमारे वर्चुअल स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं Uh, चाहे वो 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 यूट्यूब पर या लाइवेट होम के स्टूडेंट्स हैं आपको भी ये हैंड आउट अभी के लिए अपने पास रखना है आपको ये हैंड आउट कैसे मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नाम स्क्रीन पर लिख रहा हूँ आप उस पर जाइएगा वहाँ पर जस्ट अभी मैंने ये हैंड आउट अपलोड किया सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दिस हैंड आउट तो द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज सी ए अंडर स्कोर लॉ अंडर स्कोर हर्ष गुप्ता किसी को नहीं पता हो तो टेलीग्राम इज़ एन ऐप आप प्ले स्टोर पर जाकर वो ऐप डाउनलोड करिएगा जस्ट राइट दिस डाउन इन द सर्च बार आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा यहाँ पर आपका ये वाला जो हैंड आउट है बेटा ये ऑलरेडी अपलोडेड है वो आप डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा आज की क्लास में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए ये आप अपने पास रखिएगा प्लीज़ मैं बहुत बड़ी हूँ पवन थैंक यू फॉर आस्किंग गुड आफ्टन खुशी <coughs> गौरव जितने भी आप, आप लाइव एट होम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने आपको पहले भी इंटीमेट किया था मैं दोबारा से बता देता हूँ इनकेस जो भी लाइव एट होम का स्टूडेंट है आपकी इनिशियल चार से पांच क्लासेस यूट्यूब पर आएंगे तो मीन आप यूट्यूब से अपनी क्लास को कैटर करेंगे वहां से एक्सेस करेंगे

सब इसी टेलीग्राम चैनल पर आएगा आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर कल की क्लास की छुट्टी है नहीं है कब क्लास होने वाली है कोई कंटेंट कोई टेस्ट आपको शेयर करना है एवरी ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर मेरी तरफ से आपको जाने वाला है तो जब तक ये बैच चलेगा बेटा एंड जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते मैं कहूंगा आप इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ रहेंगे पेपर होने के बाद आप बेशक इस टेलीग्राम चैनल को किट कर देना नो no इश्यूज पर मेरे साथ जुड़े रहेंगे इसके थ्रू मैं आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट वगैरह जो भी है एंड टेल एग्जाम्स आपके लिए काफी सारी चीजें इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी चैनल है तो चैनल क्या काम करता है बेटा इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पर जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेरे थ्रू नहीं है वो आपको पहुंचेगी आपका मैसेज मेरे तक नहीं आएगा क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन का चैनल है ये कोई ग्रुप नहीं है जहां पर डिस्कशन चल रहा होगा तो दिस इज अ वन वे चैनल सर आ, अगर आप सबको मुझसे कम्युनिकेट करना हो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा ऑब्वियसली फेस टू फेस स्टूडेंट्स के पास वो प्रिविलेज है कि आपके सामने मैं हुई भाई तो आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है आप इन पर्सन कर सकते हो जितने भी हमारे लाइव स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं डोंट वरी आपका कम्युनिकेशन भी मेरे साथ रहेगा क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर रहने वाले हैं तो आप सब कम्युनिकेट कैसे करोगे बेटा जब तक क्लासेस है

जब आपका बैच ओवर हो चुका होगा और उसके बाद इन केस आपको कोई क्वेरी आ जाती है देन इन दैट केस यू कैन मी ऑन द व्हाट्सएप पर जब तक आपका बैच uh, चल रहा है कोशिश करके आप लाइव में ही अपनी क्वेरीज पूछिए बिकॉज बेटा व्हाट्सएप पर मुझे रिप्लाई करने के लिए एक से दो दिन का समय लगता है इतना समय मुझे चाहिए होता है तो इन अ मैटर ऑफ डे और टू आई विल बी रिप्लाइंग वहां पर आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो इसलिए फेस टू फेस या लाइव में ही अपनी क्वेरी डिस्कस करना की कोशिश करिएगा चलिए वेरी गुड एवरीवन तो करते बेटा आज की क्लास स्टार्ट पढ़ते पढ़ते ऑलरेडी आप दो सब्जेक्ट्स आज पढ़ चुके हैं कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन तो थोड़े से एग्जॉस्टेड हो गए या नहीं थोड़ा बहुत तो एग्जॉशन हो जाता है चलो तो आज की क्लास को बड़ा सिंपल एंड प्लेन रखेंगे बहुत ज्यादा कोई हेक्टिक क्लास नहीं रहने वाली यानी प्रेटी शॉर्ट आज की क्लास आपके लिए काफी ईजी ऑन द माइंड रहने वाली है मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग क्लास आपके लिए होगी बेटा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेपर तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाने के लिए आपसे स्टार्टिंग में एक दो चीज़ें मुझे पूछनी पड़ेंगी आपने बेटा अपने लॉ की जर्नी जिंदगी में पहली बार कौन से लेवल पर स्टार्ट करी थी फाउंडेशन क्योंकि ट्वेल्थ तक तो कभी लॉ नाम का कोई पेपर होता नहीं है सी एरिया जहां पर जिंदगी में पहली बार लॉ नाम का सब्जेक्ट पढ़ा था सुना था एंड जब आप लॉ नाम का सब्जेक्ट फाउंडेशन में सुनते हैं एज अ स्टूडेंट क्लास में, में मेरी एस्पिरेशन थोड़ी सी रहती थी कि भाई लॉ क्या होता है क्यों बनता है कैसे बनता है लॉ के बेसिक्स क्या है ये सब थोड़ा सा मुझे बताया जाए जिससे मेरे को समझ में आए कि हम ये कानून पढ़ते क्यों हैं पर जनरली हमारी सी ए फाउंडेशन जो लॉ की जदनी है वो स्टार्ट हो जाती है ऑफर से एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट से जनरली हम यहाँ से स्टार्ट कर जाते हैं आप में से बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी वो जर्नी वहां से ना शुरू करके बेसिक्स पर काम किया होगा बट हाँ मैनी स्टूडेंट्स माइंड भी देर जिनकी जर्नी वही ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से शुरू हुई होगी तो वो जो हमारा बेसिक कहीं ना कहीं लॉ का होता है ना वो थोड़ा सा लैक कर जाता है कि जी लॉ एग्जैक्टली exactly है क्या हम क्यों लॉ को फॉलो करते हैं क्या होता है कैसे काम करता है तो यहाँ पर बेटा आप मुझे गाइड करिए कि मैं क्या अप्रोच लेकर के आपको पढ़ाऊं मैं मानकर चलूँ कि आपके वो बेसिक्स ठीक है एंड फाउंडेशन में आपने लॉ पढ़ रखा है आप लॉ के सब्जेक्ट के बारे में बेसिक्स जानते हो और मैं सीधा उससे अगले लेवल पर एडवांस लेवल पर लेकर जाकर आपकी पढ़ाई शुरू करूं या मैं मान सकता हूं आपने जस्ट अभी अपनी बारहवीं पास करिए डोंट वरी सी फाउंडेशन पास दो बट मैं मान सकता हूं आपने जस्ट अभी अपनी ट्वेल्थ पास करिए और जिंदगी में आपने लॉ नाम का शब्द कभी सुना ही नहीं है एंड दिस इज योर फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डे इन योर लाइफ जब आप लॉ नाम के शब्द से थोड़ी सी जान पहचान करने वाले हो बताओ कौन सी अप्रोच ठीक रहेगी कितने फर्स्ट के साथ है अच्छा शो फ्रेंड्स अरे भाई एक ही कितने नहीं जी सेकेंड अप्रोच ठीक है सर हमें कुछ नहीं आता बाकी की क्या सलाह बनी हाँ लॉ में कुछ नहीं आता वैसे तो बहुत कुछ आता है तो मेरे सब बात है भाई पर अब मैं ये मानकर चलूंगा बाकी की क्या सलाह बनी देख लो सर जैसे ठीक है आपकी मर्जी आपको पढ़ाना है जैसी मर्जी चलो तो बेटा मैं सेकंड अप्रोच के साथ ही चलता हूँ मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने लॉ नाम का शब्द अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना लॉ के कुछ बेसिक्स हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े एंड उनको ब्रशअप करते हुए आगे की क्लास में हम जाएंगे और इसलिए आज की क्लास की खास बात क्या है आज की क्लास में हमारा एक जो टॉपिक डिस्कस होने वाले बेटा वो यही टॉपिक डिस्कस होने वाला है, exactly क्या है क्या है कैसे बनता है जब हम लॉ बोलते हैं लॉ का एक्जेक्टली exactly मतलब क्या होता है इसमें एक्ट आएंगे रूल्स आएंगे नोटिफिकेशन आएंगे सर्कुलर्स आएंगे व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ लॉ डू वी मीन बाय वो हम सीखेंगे कि लॉ एक्जैक्टली exactly हमारे देश में चलता कैसे है क्योंकि आजकल लॉस को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज में भी चर्चा होती है हो रही आजकल चर्चा चर्चा एक ही बच्चे को पता है बस अभी हमारी पार्लियामेंट सेशन में पता होगा आज मोदी जी भी बोलने वाले मोदी जी की स्पीच आने वाले आज प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलेंगे आज ठीक तो ये पार्लियामेंट के सेशंस आपके रन कर रहे हैं तो ये जो सारी चर्चाएं हो रही है बेटा अगर आपको पता हो अभी दिल्ली के लिए एक बिल पार्लियामेंट में पास कराया गया ठीक जहां पर दिल्ली में जितने भी है आई ऑफिसर्स होंगे ये पहले दिल्ली सरकार के अंडर आते थे पर अब पार्लियामेंट एक बिल पास करके उन सबकी अथॉरिटी अपने कंट्रोल में लेने जा रही है तो ये बिल पास हो रहा है ये भी एक कानून बन रहा है तो ये जो सारी डिस्कशन आप टीवी चैनल पर देखते हो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में तो आता होगा पर इसकी एक्टली लीगल बैकिंग कहां से निकल करके आती है क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं क्या कैसे कर पा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं मिसिंग होता है तो आज की क्लास का यही हमारा टारगेट रहेगा और ये टारगेट इंटरेस्टिंग स्टैंड पॉइंट से होगा कि जितनी भी बातें बेटा आज की क्लास में हम सीखेंगे वो आपके पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं होंगी मतलब लॉ के रिगार्डिंग जितनी भी बातें हम करने वाले हैं ये आपके पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है मतलब इसमें से कोई भी सवाल आपके सीए इंटर के लॉ के पेपर में नहीं आएगा बट इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार अगर आपने लॉ के अपने इस बेस को अच्छे से बना लिया फिर जिंदगी में बेटा कोई भी कानून पढ़ लेना चाहे वो कंपनीज एक्ट हो एनी अदर एक्ट आपको कोई कानून कभी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको उन कानूनों का बेस पता होगा कि वो कानून हमारे देश में ऑपरेट करते कैसे तो आज की क्लास इसी पर रिवोट करेंगे एंड विद दिस ये बढ़िया बात है कि आज की क्लास में आपको कुछ भी रटना नहीं है आपको इस परस्पेक्टिव से कोई भी चीज नहीं सीखनी हाँ यार याद करनी है पेपर में आ जाएगी नहीं बड़े कूल माइंड से हम सारी डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो एक टारगेट तो बेटा आज की क्लास का ये है

मेरे को थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच करना पड़ गया साढ़े तीन चार घंटे तो उसमें भी आप साथ दोगे अभी आपने हाँ करिए बिल्कुल है, है ना तो मैंने ऑफर दिया था आपने उसको एक्सेप्ट किया अभी है ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया <laughs> वर्ड क्यों इंटेंशन ही नहीं था सर लीगल रिले, रिलेशन क्रिएट करने का है ना <laughs> चलो बहुत बढ़िया कोई नहीं चलो तो आज की क्लास की दो ही टारगेट हम लोग रखते हैं कि लॉ एग्जैक्टली क्या है एंड हमारा पेपर क्या है तो पहले थोड़ा सा अपने पेपर से रूबरू हो जाते हैं कि हमारी जो ये जर्नी चलने वाली है अगले कुछ मंथ्स तक हम लोग साथ रहेंगे तो उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं क्या एक्सपेक्टेशन हमारा इंस्टीट्यूट हमसे रखता है तो वट इज अबाउट दिस पेपर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ तो आपके स्क्रीन पर बेटा मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें जो मैं डिस्कस करूंगा सब कुछ आपकी बुक्स में ऑलरेडी गिवन रहेगा तो बस आप फ्री माइंड से इनको समझने की कोशिश करिएगा शिवम कह रहे सर दिल्ली का ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है <laughs> चलो शिवम दैट विल बी अ बिग बिग डिस्कशन अमित शाह जी को तो नहीं लगता है केजरीवाल जी को लगता है अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है ये ऑर्डिनेंस क्या होता है ये शब्द भी अभी हमें सीखना है तो पहले वो बेसिक्स को बिल्ड करते हैं फिर इन पॉइंट्स के ऊपर हम आएंगे सृष्टि जो गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स हैं अभी अपने डाउट्स व्हाट्सएप पर ही पूछेंगे तो हम लाइव तो कनेक्टेड नहीं रहेंगे जी डी वाले स्टूडेंट्स के पास व्हाट्सएप का टारगेट रहेगा बाकी इस बैच की एक खास बात क्या रहती है कि ये बैच आपका फेस टू फेस वाला ही रिकॉर्ड होकर आता है तो फेस टू फेस में जितने भी बच्चों की जो भी क्वेरीज आएंगी वो ऑलरेडी क्लास में रिकॉर्डेड होगी एम वेरी श्योर

पास होने के लिए कितने चाहिए चालीस पर बेटा सिर्फ चालीस से आप पास नहीं होगा क्योंकि आपका पूरा ग्रुप का पास माना जाएगा जब आपके सारे सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट कम से कम कितना बनता होगा 50 परसेंट मतलब अगर आपने ग्रुप वन में तीन पेपर लिखे तीनों में 40 40 चालीस आ गए तो बेटा तीनों में इंडिविजुअली तो पास हो पर आपका ग्रुप क्या पास माना जाएगा नहीं तीनों में एग्रीगेट आपका यहां पर 60 के सॉरी 50 बनना चाहिए वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तब जाकर के आप वहां पर पास माने जाएंगे तो आप इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में फोर्टी फोर्टी स्कोर करेंगे पर उनका एग्रीगेट मिलाकर के जब आप एवरेज देखोगे वो 50 परसेंट से ज्यादा होना चाहिए तब जाकर बनेगा बेटा अकाउंट्स में नंबर आ जाएंगे चालीस स्कोर कर लोगे अकाउंट्स में तो सर आ जाएंगे टैक्स में पता चलेगा सर अभी पहली बार भी बढ़ रहे हैं पता चलेगा टैक्स में आएंगे नहीं लॉ में आ जाएंगे आ जाएंगे चले बेटा डे वन पे टारगेट में आपको दे देता हूं लॉ में मतलब अगर आपको कम से कम अपने लिए मतलब बेयर मिनिमम भी टारगेट सेट करना हो पहली बात तो टारगेट कभी सेट करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में बड़ा जो भी पेपर लिखो यही सोचकर लिखना है कि मेरे को कितने नंबर लाने हैं सो ठीक सौ का पेपर लिख रहे तो टारगेट तो सो ही है एक तो हमारी मेहनत सौ के हिसाब से होनी चाहिए एक भी नंबर का कम का हमें पेपर नहीं लिखना सौ का पेपर आना चाहिए मैं लिखकर क्या आऊंगा उसके बाद जितने मर्जी है वो देखी जाएगी पर मेरी मेहनत पूरे सो के लिए होनी चाहिए हमेशा टारगेट हर पेपर के लिए सो ही कर कर चलना पहले से वो माइंड मत रखना कि यार हम ट्वेल्थ में तो सोचते थे कि नब्बे सो आ सकते हैं कॉलेज में थोड़ा सा उसको और नीचे किया सी में उस लेवल को और नीचे कर देंगे नहीं आप यही सोचकर चलना कि आप अपने स्कूल लेवल का ही पेपर लिख रहे हो और आप इसमें भी सो नंबर ला सकते हो विद दैट टारगेट यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर फिर भी नीडलेस टू से अगर आप बेयर मिनिमम टारगेट अपने को देना चाहते हो बेटा 60 से नीचे का टारगेट तो कभी भी मत देना 60 इज द बेयर मिनिमम जो आपको लाना ही लाना है और आपके आ भी जाएंगे तो सिक्सटी तो मिनिमम टारगेट है और भी होते हो तो सो के हिसाब से पेपर लिखा अगर बेटा एटी एव आगे खुश हो जाओगे सो में 80, अरे क्या बात है तुम देखो एटी एटी फाइव पे भी कुछ नहीं हो रहे तो इसलिए टारगेट इतनी ऊपर सेट करो कि तुम अस्सी पिचासी पे भी कुछ नहीं हो बाकी बच्चा करो और अस्सी पचासी नंबर आगे

पेपर आपको ग्रुप वाइज देना जरूरी है दैट इज बोथ ग्रुप्स टुगेदर या इंडिविजुअल भी दे सकते हो यानी एक एक ग्रुप करके पेपर देना मैंडेटरी है दोनों को साथ देना मैंडेटरी है चॉइस होती है चॉइस है आपकी मर्जी है आप दोनों ग्रुप इकट्ठे भी दे सकते हो चाहो तो एक एक ग्रुप दो बट मोस्ट रीजनेबल इस पॉइंट पर क्या होगा अंडर द न्यू सिलेबस मे चौबीस का अटेम्प्ट कैसे देना चाहिए सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप्स

कहीं से भी कंफ्यूज मत हो जाना बिकॉज जो ओल्ड सिलेबस था वहां पर कॉर्पोरेट लॉ की बेटे सिक्सटी रहा करती थी तो कोई पुराना स्टडी मैट या कोई पुराना दोस्त यार कह दे नहीं नहीं सत्तर नहीं साठ है तो ध्यान रखना अब आप नई स्कीम में कवर हो अंडर द न्यू सिलेबस सेवेंटी मार्क्स का पेपर आपका कॉर्पोरेट लॉ का रहने वाला है और फिर से बहुत मुश्किल है करना बेटा बाकी हैदर कहां से आएगा अदर से तो बेटा बाकी का आपका तीस नंबर का पेपर जो है वो अदर लॉज से रहेगा आपका पेपर पहला पेपर होगा तो उससे फर्दर क्लैरिटी आएगी जो मेरी एक्सपेक्टेशन है आपका पेपर कोई सेक्शन ए या सेक्शन बी में डिवाइडेड नहीं होगा मतलब आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन ए कॉर्पोरेट लॉ सत्तर नंबर का पेपर आया फिर सेक्शन बी तीस नंबर का अदर लॉ का पेपर आया नहीं आपके पेपर में हर क्वेश्चन के अंदर कॉर्पोरेट लॉ के भी सवाल होंगे अदर लॉ के भी सवाल होंगे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन है वहां पर दो पार्ट कॉर्पोरेट लॉ के बन गए दो पार्ट अदर लॉ के बन गए तो मिक्स एंड मर्ज होकर के आपका पेपर बनेगा तो इसी टाइप से आपका पेपर आएगा तो ये आपका बेटा बाइफरकेशन होने वाला है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का अब इनको अगर हम फर्दर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करें इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है कॉर्पोरेट लॉ तो बेटा कॉर्पोरेट लॉ जिसकी है सत्तर नंबर। बेटा हमारे देश में कॉर्पोरेट लॉ कौन सा होता है कंपनीज लॉ हाँ जी कंपनीज एक्ट कॉर्पोरेट लॉ है या नहीं के अलावा कोई कॉर्पोरेट लॉ एलएलपी और भी कोई पार्टनरशिप कॉर्पोरेट लॉ कह सकते हैं कॉर्पोरेट लॉ मतलब कहीं ना कोई, कोई ऐसा कानून जो कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट्स की एंटिटी से डील करता होगा तो बताओ बेटा क्या पार्टनरशिप एक्ट को मैं कॉर्पोरेट लॉ कह सकता हूँ कंपनी बिल्कुल आप कॉर्पोरेट लॉ बोल सकते हो इनके अलावा कोई कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम्पल जो हमारे देश में काम करता हो बहुत अच्छे जी सेबी एक्ट सेबी एक्ट एक टाइप का कॉर्पोरेट लॉ है बाकी आपके सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है ये कुछ ऐसे कानून है जो कही कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स पर लगते हैं तो इनको हम कहते हैं कॉर्पोरेट है, वो कौन सा है कंपनीज एक्ट दो तो बेटा ये पहला कानून होगा जो आपके सिलेबस में आपको कॉर्पोरेट लॉ के लिए पढ़ाया जाएगा पर हमारा इंस्टीट्यूट बड़ा दयावान है ट्रस्ट मी आपके इंटर लेवल पर छे के कोई सबसे ज्यादा आसान पेपर है तो वो पेपर आपका लॉ का है अगर मैं कंटेंट वाइज भी कहूं याद करने के परस्पेक्टिव से भी कहूं स्कोरिंग के परस्पेक्टिव से तो बहुत ईजी पेपर आपका लॉ का बनाया गया इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी पेपर जिसमें आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है सर कंपनीज क्या पूरा पढ़ना है हम थोड़ा बहुत सर फाउंडेशन में भी पढ़ के आए थे वहां पर भी थोड़ा बहुत बेसिक्स थे कंपनीज के अरे थे या नहीं थे चलो हे बिल्कुल तो बेटा यहाँ पर आपको कंपनी सेक्ट क्या पूरा करना है सर तो पूरा करना है ये तो बता दो कि खत्म जाकर कहां पे होता है बेटा लास्ट सेक्शन नंबर कौन सा कंपनी सेक्ट का 470

उसका लॉजिक क्या है बेटा वो भी सीखे होपफुली इन टूडेज क्लास तक तो आपको पक्का इस बात का लॉजिक मिल जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ 470, 470. तो सब कुछ आपके इंटर लेवल पर पढ़ा दिया जाए सत्तर नंबर के लिए चार सौ सत्तर सेक्शन तो ठीक है क्या पढ़ा दिया जाए तो हमारा इंस्टीट्यूट बड़ा

हाँ जी पढ़ना ही पड़ेगा कौन सा चॉइस है सर अब तो मजबूरी होगी बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा हो जाएगा बेटा ये ज्यादा सिलेबस नहीं ट्रस्ट में बहुत आसान रहने वाले ये तो आपका स्मूथली कवर हो जाएगा यहां तक किसी का कोई भी सवाल एक छोटा सा सवाल मैं पूछूँ आपकी सिलेबस में कौन कौन से सेक्शन है अरे कितने सेक्शन है सेक्शन वन से लेकर वन और उसके बाद थ्री से लेकर थ्री क्या है तो बेटा ये ए क्या है हाँ जी अच्छा बेटा एक तो है थ्री नाइन्टी थ्री ए एक है थ्री नाइन्टी थ्री ए दोनों में कुछ अंतर किसी को पता हो तो हैंड्राइस करे एक ही बच्ची को पता है दो तीन चार पांच छः सात बाकी घर मेरे को पता है पर मैं बताऊंगा नहीं है इन सवाल का जवाब दूंगा मैं अब, हैं इंटर लेवल पर आके हाँ जी माइक देना अरे भाई माइक माइक भाई मेरे को देख रहा है मतलब बच्चे ने माइक संभाला हुआ है गजब हाँ जी हैंड रेस कर ले जो जवाब देना चाहे दोनों में डिफरेंस इधर दे दो एक बार माइक अब मेरे को क्यों दे रहे हो भाई माइक मेरे पास है ऑलरेडी हाँ जी प्लीज एक बार चेक करो वन टू वन टू टेस्टिंग वन टू थ्री हेलो हेलो फिर से yes. <laughs> यस हाँ. सर जो फर्स्ट वाला है जिसमें कैपिटल है थ्री थ्री ए कैपिटल है इसका मतलब है सर जैसे पहले जब कंपनी इस एक्ट 2013 इंप्लीमेंट हुआ था तो फिर 393 के बाद सेक्शन 394 बना दिया गया था बट okay. हमने इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई नया एक सेक्शन ऐड करना है बट उसमें वहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए कैपिटल एक करके एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया वहाँ पे बहुत और ये तो बैंग आंसर है बस एक छोटे से सवाल का जवाब और दे दो इस केस में 393 जो स्मॉल ए है अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं यहाँ पर सेक्शन नंबर क्या है बेटा तो सेक्शन नंबर क्या होगा 393 अच्छा यहाँ पर सेक्शन नंबर है आपके हिसाब से 393 यस yes, सर और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सेक्शन नंबर क्या है 393 है ध्यान बेटा यहाँ पर सेक्शन नंबर ही क्या है 393 ए वेरी गुड एक बार जोरदार ताली हो जाए बैंग ऑन आंसर एकदम ध्यान रखना जब मैंने 393 स्मॉल ए लिखा वहां पर सेक्शन नंबर आपका कौन सा है 393 ए उसका सब सेक्शन या क्लॉज हो सकता है

तो वो कितने निकलेंगे फोर सेवेंटी या फोर सेवेंटी वन जी ये बन जाएंगे फोर तो वन तो लास्ट सेक्शन नंबर तो क्या है चार सौ सत्तर पर क्या नंबर ऑफ सेक्शन वेरी कर सकते हैं Yes, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो हमारी सरकार या जो भी बनाता है उसने बना दिया एज इट इज ऑपरेट नहीं करता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं और कई बार कुछ नए सेक्शन एड होते रहते हैं नए और एग्जिस्टिंग सेक्शन आपके डिलीट भी होते रहते हैं तो नंबर ऑफ सेक्शन वो कभी भी एक स्टेटिक नंबर नहीं होता इसलिए मैंने कहा था कि लास्ट सेक्शन नंबर चार जरूर है पर टोटल सेक्शन चार नहीं है इस बात का लॉजिक समझ में आ गया चलिए तो बेटा ये आपके कॉर्पोरेट लॉ में पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है दैट इज कंपनीज एक्ट जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो कवरेज यहाँ पर करनी होगी बेटा एक तो आपको पढ़ना है आठ है, तो है वो भी आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया एट द सी इंटर लेवल अभी तक सीए इंटर लेवल पर बच्चा कभी भी एल एल पी एक्ट नहीं पढ़ता था पर अब सी ए इंटर लेवल पर आपका एल एल पी एक्ट आ गया है और बेटा अगर आपने कंपनी दो हजार तेरह तरीके से पढ़ लिया

तो जनरल क्लॉजेस देता होगा और, और क्या है इतना तो कमांड जनरल क्लॉजेस आते होंगे हाँ बेटा यही काम है। करता है ये आपको जनरल क्लॉजेस ही प्रोवाइड करता है तो जनरल क्लॉजेस ही प्रोवाइड करता है अब इस बात का क्या मतलब है ये बड़ा कुछ ऐसी बातें बताता है जो बातें आपको दूसरे कानूनों की इंटरप्रिटेशन करने में मदद करती हैं मतलब ये कानून आपको कुछ ऐसी बातें सिखाएगा जो आपको दूसरे कानूनों की इंटरप्रिटेशन में मदद करती है फॉर से बेटा कंपनीज एक्ट कह देता है कि हर कंपनी को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर लेट से टेन परसेंट की स्टैंप ड्यूटी देनी है लेट से ऐसा कंपनीज एक्ट ने कह दिया तो कंपनीज एक्ट ने एक वर्ड इस्तेमाल किया इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आप इतने रुपए की स्टैंप ड्यूटी देना अब वहां पर एक दिक्कत आई जी कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है मैंने पूरा एक्ट पढ़ा और कहीं भी वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड ही नहीं था तो मैं हम फंस गए बेटा कि लॉ मेकर एक शब्द का इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर उस शब्द को लॉ मेकर डिफाइन ही नहीं कर रहे तो उसका मीनिंग मैं कहां पर जाकर सर्च करूं तो बेटा उसका मीनिंग मैं कहां जाकर सर्च कर सकता हूं जीसीए में तो जीसीए एक ऐसा कानून हमारी सरकार ने बना दिया उन्होंने कह दिया जी इंडिया में कितने भी दूसरे एक्ट्स में अगर वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दिया जाए और वो वहां पर डिफाइंड ना हो तो जीसीए में हम आपको दे आप तो कानूनों की इंटरप्रिटेशन करने में हमारी हेल्प करेगा तो यहां पर बातें आपको देखने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेटा क्या, क्या क्या आता है बहुत बड़ा सवाल है इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग यही सीखते होगे तो बेटा क्या लैंड आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है पर बेटा क्या अर्थक्वेक से वो भी मूव हो सकती है, है? हाँ, सिनेरियो अलग हो गया बिल्कुल साहब कह रहे बेटा बताओ फिर मूवेबल है moveable है इमूवेबल कोर्ट में क्या कहोगे अरे अर्थक्वेक आया तो हिल गई ना ऊपर नीचे चली गई एरिया शिफ्ट हो गया मेरा सो गज का प्लॉट था आपका सो गज का प्लॉट था अर्थक्वेक आया आपका प्लॉट भी मेरे प्लॉट के नीचे खिसक गया अब बताओ जी क्या करे किसका किस पे क्या अधिकार साहब कह रहे साबित करो ये प्रॉपर्टी है तो ये थोड़ी ना पे ये हाँ नहीं नहीं, नहीं जस्ता होती है ये तो ऐसी होती है ये क्या बात हुई ये थोड़ी ना कह सकते हो तो जस्ता को आपको लीगल बाइक देनी पड़ेगी ये सब देखिए कानून ये कहता है कानून के सेक्शन में लिखा हुआ है इसका इंटरप्रिटेशन हम ऐसे करेंगे तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये दलील दे रहा हूँ कि हाँ ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको इस टाइप से कोर्ट में बातें पेश करनी है कोर्ट में जाकर ऐसे थोड़ी ना नहीं नहीं ये क्या बात करो जस्ता ऐसा थोड़ी ना होता है जब सब जेल में डाल देंगे ज्यादा करोगे तो ऑफ कोर्ट लगा देंगे तुम पे ऑन दी अदर हैंड क्या बेटा ये बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है अरे क्या ये बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा आपने शायद सुना होगा जैक से मकान उठवाए है ना कभी लगा रहता है जैक लगा के मकान ही उठा देंगे पूरा ऊपर तो मूवेबल है मूवेबल है मूवी भी आई थी इसकी एक कौन सी सरदार ग्रैंडसन कैसी कैसी मूवीज देख रहे हो भाई तुम किसी और ने देखी चलो आई होगी ठीक है कोई नहीं कोई हाँ तो इसको मूवेबल मानू इमूवेबल मानू जैक से मकान ही उठा ले पूरे ऊपर एक्सेप्शन है तो जो जैक से मकान उठ जाते हैं वो मूवेबल है जो नहीं उठते वो इमूवेबल है अच्छा हाँ सर बड़ा बिल्डिंग तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप कह रहे हो और बिल्डिंग में जो ये दरवाजे लगे हैं खिड़कियां लगी हैं है। ये मूवेबल है इमूवेबल है इमूवेबल है इसको उखाड़ कर लेकर जा सकते हैं सर ये तो मूवेबल हो गया हाँ जी अच्छा अपनी जगह से हटेगा तो टूट जाएगा तो फिर बिल्डिंग पूरी ऊपर उठती है साबुत ही उठती है नहीं जैसा था वैसा नहीं रह जाएगा सर बिल्कुल वो ज़मीन से एकदम अटैच था पर दरवाज़ा इट इज बाहर निकल सकता है चौखट को तरीके से तोड़े टक 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 पूरी चौखट बाहर आ गई तो मूवेबल है मूवेबल है मूवेबल है मूवेबल है अच्छा दोनों मिक्स करें मूवेबल है पता तो लगा लो क्या बोल रहा हूं ये नहीं जान पाओगे चलो तो बेटा ये है, कहने को तो इस तरीके के के केसेस पहुंच जाते हैं कि सर, इसको मैं या तो ने बेटा इसको एक दूसरा कानून बनाकर दे दिया यस जीसीए और उन्होंने कहा इसका मतलब हम आपको वहां समझा देंगे अब वहां जाकर पढ़ लेना और वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग गिवन है और वहां पर जब हम जीसीए पढ़ेंगे हम जानेंगे बेटा लैंड भी आपकी इमूवेबल होती है बिल्डिंग भी आपकी इमूवेबल है और बिल्डिंग के साथ जिस भी चीज को आप परमानेंटली अटैच कर देते हो खिड़की दरवाजे चौखटे इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो सब आपकी डेफिनेशन वहां पर दी गई है मैंने बस समझाने की कोशिश करी है जीसीए काम क्या करेगा ये अपने आप में एक स्टैंड लोन कानून नहीं होता इस कानून का दूसरे कानूनों के साथ रख करके पढ़ते हो क्योंकि दूसरा कानून पढ़ा वहां पर दिक्कत आई तो चलो जीसीए में जाकर उसका मीनिंग देख लेंगे तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कानून है आपके सिलेबस में पहला अदर लॉ का कानून है जो आपको पढ़ना रहेगा दूसरा टॉपिक बेटा जो आपको अदर लॉज में सीखने को रहेगा वो आपका कौन सा आ जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूस ये कौन सा कानून है सर देखना बेटा ये कोई कानून ही नहीं है दैट इज़ दिस इज नॉट एन एक्ट ये कोई कानून नहीं है ये कोई एक्ट नहीं है बस ये कानूनों को इंटरप्रेट करने के तरीके आपको समझाएगा कि कोई भी कानून अगर आपको इंटरप्रेट करना हो और इंटरप्रेट करते वक्त अगर आप कहीं अटक जाओ तो यहां पर आपको कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दिए जाएंगे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे केस लॉस से बनाए गए हैं तो कानूनों को इंटरप्रेट करना आप इस चैप्टर में सीखते हो और बेटा कानून को इंटरप्रेट करना कभी भी आप ऐसे नहीं सीख सकते कि मैं आपको कहूँ बेटा ये चैप्टर बैठ के पढ़ लो दस पेज में पढ़ते ही सीख जाओगे कानून कैसे इंटरप्रेट होता है नो इंटरप्रेटिंग एन एक्ट इज अर्ट और उस आर्ट को आप प्रैक्टिस करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और हम अपने पूरे सिलेबस में जब भी कोई कानून पढ़ेंगे हम उसकी इंटरप्रिटेशन ही कर रहे होंगे तो वो आर्ट हम ग्रेजुअली सीखते हुए चलेंगे द इस इस चैप्टर चैप्टर पर पहुंचेंगे ट्रस्ट मी का मैं कहूंगा से ज्यादा सिलेबस आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा बिकॉज हम पूरे सिलेबस में इंटरप्रिटेशन करते हुए चलेंगे तो ये चैप्टर पर जब तक आप आओगे आप खुद रियलाइज करोगे इस चैप्टर की मैक्सिमम बातें आपको आती है फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने थोड़ा बहुत कंपनी बचपन में पढ़ा था

तो आप कह रहे हैं जी वहां पर जो मे लिखा हुआ है ना उसकी तो डायरेक्टिव फोर्स है उसका मतलब तो हमारी मर्जी है कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनानी है उसके लिए बन जाएगी नहीं बनानी तो नहीं बनेगी थोड़ा तो यहाँ पर क्या मेरे को मे को मे पढ़ना चाहिए या लॉ मेकर का इंटेंशन इस मे को शैल का फोर्स देने का है थोड़ा तो यहां पर हम एक रूल लगाते हैं रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन कि मैंने इंटरप्रिटेशन करते वक्त एक एक्सेप्शन क्रिएट करी जहां पर मैंने मे को शैल पढ़ लिया तो इस टाइप के कुछ रूल्स होंगे जो जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे जो आपको कानून इंटरप्रेट करना सिखाते हैं तो इसलिए यहां पर कोई भी अलग से सेक्शंस रूल्स वगैरह नहीं आएंगे यहां पर बस कुछ इंटरप्रिटेशन करने के तरीके आपको समझाए जाएंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्यूज बहुत ही सिंपल सा ये भी चैप्टर होने वाला है एंड द लास्ट टॉपिक बेटा जो आपको अपने सिलेबस के लिए पढ़ना रहेगा अगेन अ वेरी फ्रेश टॉपिक जिसको सी फाइनल लेवल से उठाकर इंटर लेवल पर डाल दिया गया क्योंकि ये टॉपिक आपका पहले सीए फाइनल लेवल में हुआ करता था बट नाउ इट इज कवर्ड अंडर द द इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस एंड टॉपिक इज फेमा फेमा आपने का लेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट शायद आपने एक और नाम सुन रखा होगा फेरा फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट सुना हुआ थोड़ा तो पहले हमारे देश में कानून होता था फेरा उसको स्क्रैप करके या रिपील करके एक नया कानून बन चुका है आज के दिन में फेमा तो वो फेमा भी आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये फेमा आपके लिए इंट्रोड्यूस हो चुका है बेटा और यहां पर हम क्या सीखेंगे फेमा क्या करता होगा फेमा फेमा क्या करता होगा कर लेगा फेमा. जी इंडिया का सामान भर जाता है और बाहर का सामान इंडिया आता है बस फेमा लग जाएगा और सिंपल यही है जी और क्या फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट दैट इज जब भी आप इंडिया में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करोगे जिसमें फॉरन एक्सचेंज इन्वॉल्व है तब ये कानून बेटा पिक्चर में आ जाएगा और तब आपको इस कानून की बातें माननी पड़ेगी इसका भी एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा इंडिया में आज एयरलाइन सेक्टर की अगर बात करें बेटा किस किस कंपनी के प्लेन उड़ते हैं इंडिया में एयरलाइन सेक्टर में कौन कौन है बताओ कुछ नाम इंडिगो चलो जी टॉप नॉस्ट तो आपकी इंडिगो ही है इंडिगो एयरलाइंस जो सबसे मैं कह सकता हूं टॉप नॉस्ट चलती है वॉल्यूम वाइज भी इंडिगो इज द नंबर वन प्लेयर करंटली इन द मार्केट तो इंटर ग्लोब एविएशन इज द नेम ऑफ द कंपनी इंडिगो इनका ट्रेड नेम ब्रांड नेम है बिल्कुल इंडिगो एक नाम आ गया और कुछ स्पाइस जेट भी एक नाम आया ओके जी और कुछ एयर इंडिया ओके आपका भी नाम ले लेते हैं इन्होंने भी एक नाम बताया जी विस्तारा विस्तारा के भी प्लेन उड़ते हैं और कोई एयर एशिया चलो बाकी एमिरेट्स वगैरह तो आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गई बिल्कुल उड़ते हैं और कुछ इंडियन एयरलाइंस अकाशा चलो जी दिस इज कंपेटिवली न्यू एयरलाइंस अकाशा किसने शुरू करी थी अगर आपको बताओ श्री झुंझुनवाला जी ने राकेश झुंझुनवाला जी जो इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफे कही जाते हैं दुनिया में जो सबसे बड़ा नाम थे वो वॉरेन बफे हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफे श्री राकेश झुंझुनवाला जी रहे थे रहे थे इस वजह से कह रहे हो क्योंकि लास्ट ईयर इनका डिमाइस हो गया था तो इन्होंने अकाशा एयरलाइन स्टार्ट करी थी तो अकाशा इट्स अ न्यू एयरलाइंस जो इन्होंने अपनी तरफ से शुरू करी थी एंड आपके लिए एक बड़ी प्राउड का बात ही हो सकती है कि ही भाई ही अ चार्टेड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन तो सी थे एंड स्टॉक मार्केट में उनका नाम बहुत या उनका रुतबा बहुत ही ज्यादा था मार्केट में बेटा सिर्फ इस चीज के लोग पैसे देने को तैयार थे कि हमें ये पता चल जाए झुंझुनवाला जी ने कौन से शेयर खरीदे हैं बस मेरे को बस ये पता चल जाए जा जा, लोग इस चीज का भी धंधा करते थे इसके लिए भी इंफॉर्मेशन सेल करते थे तो इनका नाम बहुत ज्यादा था स्टॉक मार्केट में एंड बहुत ही लीडिंग इन्वेस्टर आपके हुआ करते थे तो अकाशा एयरलाइन ने स्टार्ट करी अकासा के भी प्लेन उड़ते हैं बिल्कुल ये कुछ एयरलाइंस के नाम आपने बताया जो इंडिया में ऑपरेट करती है बाकी बेटा कुछ टाइम पहले जेट एयरवेज भी उड़ा करते थे जेट एयरवेज के भी प्लेन हुआ करते थे पर वो कंपनी दिवालिया हो गई इंसॉल्वेंसी में करंटली उसका केस चल रहा है तो अभी उसके सारे प्लेन ग्राउंडेड है करंटली आप जेट एयरवेज की कोई भी टिकट बुक नहीं कर पाओगे क्योंकि जेट एयरवेज करंटली ग्राउंडेड है तो अगर आप एयरलाइन टिकट बुक करोगे उसकी टिकट आपको देखने को नहीं मिलेगी एनीवेज हाँ जी गोयर भी गोयर भी अभी समय उसी फेज से गुजर रही है चलिए एनीवेज अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा विस्तारा विस्तारा किसकी एयरलाइन से बेटा जो आपने एयर इंडिया लिखा है एयर एशिया लिखा है और विस्तारा ये तीनों ही टाटा की है ध्यान रखना ये तीनों ही टाटा की कंपनीज है तीनों को टाटा कंट्रोल करता है विस्तारा तो टाटा की ही थी एयर एशिया में भी टाटा का स्टेक था एयर इंडिया पहले किसी जमाने में जब बनी थी टाटा की हुआ करती थी

जिसमें टाटा तो आप समझते ही हैं सिया कौन है भाई सिया स्टैंड फॉर सिंगापुर एयरलाइंस तो जो आपकी विस्तारा है बेटा विस्तारा इंडिया में प्लेन तोड़ाती है पर विस्तारा को जो कंपनी कंट्रोल कर रही है एक टाइप की जॉइंट वेंचर कंपनी है जॉइंट वेंचर वर्ड सुना होगा आपने कभी जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इकट्ठे कोई काम करते हैं तो बड़ा जो विस्तारा है वो एक टाइप का जॉइंट वेंचर है और टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर के इकट्ठे इंडिया में विस्तारा नाम के प्लेन उड़ाना डिसाइड किया तब जाकर ये ये जेवी जेवी बना जिसमें टाटा का 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 51 51 स्टेक स्टेक है है और सिया का कितना 49 49 तो ये 59, 49 का एक जेवी इन दोनों के बीच में बना हुआ है दैट इज विस्तारा बेटा अगर इंडिया में अपना धंधा शुरू करना चाह रही है लेट सपोज विस्तारा का धंधा शुरू करने के लिए इसमें एक लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बेटा इसमें से टाटा ने कितना इन्वेस्टमेंट लगा रखा है 51% और सिया ने कितना इन्वेस्टमेंट लगा रखा है

और फेमा में उन्होंने लिख दिया कि बाहर की कोई भी कंपनी अगर इंडियन आपके एयरलाइन स्पेस में एंटर करके काम करना चाह रही है वो इंडिया की किसी कंपनी को 100% परसेंट खरीद नहीं पढ़ा हो जहां पर आप समझते हैं सुनते हैं किसेंट एफडीआई है अलाउड है, है, है तो एयरलाइन सेक्टर में बेटा कितनी एफडीआई अलाउड है 49. का मतलब? मतलब आज अगर इंडिया के अंदर आप एयरलाइन सेक्टर की कोई कंपनी स्टेब्लिश करना चाह रहे हो और बाहर की कोई कंपनी इसकी इक्विटी खरीदना चाह रही है वो कह रही है मेरे पास एक लाख करोड़ है मैं अपनी जेब से इसमें एक लाख करोड़ लगा सकती हूं पर पेमा उसको इजाजत देता ही नहीं है पेमा ने क्या लिख दिया इंडिया में जो भी कंपनी खुलेगी उसमें बाहर का कोई भी पर्सन मैक्सिमम कितना पर्सन खरीद सकता है

तो बेटा चलो भाई की बात ही मान लेते हैं तुमने सी इंटर के एग्जाम दिए मैं चौबीस में और पहले अटेम्प्ट में तुम्हारे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए सब सब्जेक्ट में तुम्हारी एग्जामिशन भी आ गई और ये खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तुमने सीधा टिकट करा ली कहाँ की चलो भाई ने थाईलैंड बोला वही एग्जाम्पल लेते हैं अब बेटा थाईलैंड जाओगे वहां पर जाके क्या रुपये में खर्चा कर सकते हो नहीं क्योंकि वहां क्या चलते हैं बहुत अच्छे ये देखो इतनी ज़बरदस्त नॉलेज है हमारे बच्चों की देखिए वहाँ चलता है थाई बाट उनकी अपनी करेंसी है अब वहां पर जाकर बेटा आप रुपए में तो खर्चा नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको थाई भाट खरीदना पड़ेगा तो थाई भाट आपको परचेज करना पड़ेगा क्योंकि वहां की दुकान पर जाकर कोई भी सामान खरीदोगे तो वो कहेंगे जी रुपए से हमें क्या हमें तो भाट दीजिए हमारा काम इससे नहीं चलेगा लाइकवाइज बेटा इंडिया में कोई फॉरनर आकर सामान खरीदेगा तो क्या दुकान पर डॉलर देने से काम चलेगा नहीं दुकानदार कहेगा जी रुपया लाओ मेरी कंट्री में तो रुपया चलता है बेटा ये थाई भाट आपको खरीदने तो आज क्लास खत्म होने के बाद लक्ष्मी नगर में जो नीचे शॉप है उस पर जाकर कहोगे लो जी पचास हजार रुपये पकड़ो बदले में थाई बाट दे दो मिल जाएंगे ये लेके बैठोगा ना नीचे थाई ये बात डॉलर्स या बेटा इसके लिए प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल के आपके वेंचर्स या दुकान वाले होते हैं अलग से बेटा फॉरेन एक्सचेंज के डीलर्स आपके इसके लिए रहते हैं अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए मिल तो जाएगी पर उसके लिए आपको एक फॉरेक्स डीलर के पास जाना पड़ेगा जिसको फेमा की भाषा में हम कहते हैं ऑथराइज्ड डीलर्स आप किसी बैंक के पास भी जा सकते हो वरना आप सीपी चले जाना सीपी में जगह जगह बैठे होते हैं क्योंकि उन सबके पास वो ऑथोराइज डीलर का लाइसेंस होता है तो वो ये काम सिर्फ इस वजह से कर पा रहे हैं बिकॉज फेमा ने कह रखा है कि जी इंडिया में फॉरन करेंसी ऐसे कोई खरीद बेच नहीं सकता अगर किसी भी पर्सन को फॉरन करेंसी की जरूरत है तो वो इन ऑथोराइज डीलर्स के पास जाकर खरीदेगा और उसमें भी एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही आपको मिलेगी ऐसा नहीं पता खरीद डाली नहीं एक लिमिट तक ही आपको मिलेगी ये सारी रेगुलेट करता है और बेटा, किसी भी देश की तरक्की के लिए क्या वहां पर फॉरन करेंसी अच्छे से होना बहुत जरूरी है yes. आज अगर इंडिया को ग्रो करना है बेटा इंडिया चाहती है कि उसका रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत बने उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा उनके पास डॉलर के अच्छे खासे रिजर्व्स होने चाहिए और बेटा रिजर्व्स डॉलर के कब इंडिया के बढ़ेंगे हाँ जी जब इंडिया वाले यहां सामान बनाकर यूएस को सप्लाई करेंगे या यूएस से सामान खरीदेंगे अगर वो यूएस से सामान खरीदेंगे लेट सपोज मैंने यूएस से सामान खरीदा तो यूएस का दुकानदार मेरे से क्या कहेगा रुपए में पैसा दो या डॉलर में पैसा दो अब क्या मेरे पास डॉलर है नहीं मैं अपनी देश की सरकार या ऑथराइज डीलर को जाकर कहूंगा लाओ जी मेरे को डॉलर दो ये पकड़ो रुपया और वो डॉलर में किसको दे दूंगा यूएस वाले को तो मेरी सरकार का फॉरन करेंसी बढ़ेगा या घटेगा घटेगा ऑन बाहर माल भेजता हूँ तो वो मेरे को पैसा किस में दे रहा है डॉलर में पर क्या वो डॉलर में अपने पास रखूंगा नहीं वो डॉलर में सरकार को दूंगा सरकार के बैंक को दूंगा और मैं कहूँगी लाओ इसके बदले में मेरे को रुपया दे दो तो इससे मेरी सरकार का बैलेंस क्या हो गया

और सीए बनने के बाद आप मार्केट में उतरोगे और आपको कभी भी फेमा की एडवाइजरी लेनी पड़ेगी तो देर आर वेरी लिमिटेड जो फेमा की एडवाइजरी तरीके से कर पाते हैं बिकॉज फेमा को अगर आप तरीके से पढ़ना नहीं सीखोगे जब आप सीए बनने के बाद फेमा की किताब खोलकर बैठोगे आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि फेमा में जाना कहाँ वहां पर एक्ट भी होगा रूल्स भी होंगे रेगुलेशन भी होंगे मास्टर सर्कुलर भी होंगे मास्टर डायरेक्शन भी होंगे एंड आप गुम जाओगे ट्रस्ट में टीचिंग में आने से पहले बिग फोर में काम करता था आई इन टू हम कई बार फेमा पढ़ते थे तो जब हम फेमा पढ़ते थे बहुत सारे लोग कि कहा क्या लिखा वो लूंगा पर जाकर कहा? तो फेमा वे है, अगर आप उसकी ड्राफ्टिंग नहीं सीखोगे फेमा बना कैसे तो जब टॉपिक विल अंडरस्टैंड इसके बाद फेमा जिंदगी में आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा तो बस यही छोटा सा आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस का पेपर है सोटो कितने का सत्तर जिसमें दो टॉपिक पढ़ने कौन से

पता नहीं क्यों आपको लॉ लिखने में इतना डर लगता है ये एक बहुत बड़ा ऐसा मिथ या फियर फैक्टर बन चुका है मैक्सिमम बच्चा आकर यही एक बात बोलता है सर लॉ लिखना कैसे सर तो कैसे लिखें याद भी कर लेंगे समझ भी लेंगे सर लिखें कैसे लॉ लिखें कैसे बस यही एक सवाल है पूरे बैच में मैं इसी का जवाब देता रहता हूँ बेटा लॉ लिखें कैसे लॉ लिखें कैसे तो बेटा अगर लॉ लिखना सीखना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा लॉ लिखना पड़ेगा कोई दवाई तो आती नहीं कहूंगी बेटा लक्ष्मी नगर में कैमिस्ट से खरीद लेना सुबह शाम दो लिखा है और लॉ लिखना आ जाएगा नहीं उसके लिए आपको लॉ लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑब्वियसली आप हमेशा से चीजों को प्रैक्टिस करते हुए आयो आपने स्कूलिंग लेवल पर भी अपने जितने भी टॉपिक्स थे उनको लिख करके देखा था फाउंडेशन में भी आपने लॉ के रिटर्न प्रैक्टिस करी थी तो इंटर में आप उस चीज को थोड़ा सा कम्पेरेटिवली जल्दी ग्राफ्स करोगे आपने वो एरियाज को मिस किया था इंटर में आपको बाकी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पर बेटा बिना लिखे तो लॉ की प्रैक्टिस नहीं होगी और आप अपना ये सिलेबस आज स्टार्ट करने जा रहे हो बेटा अभी से अपना एक रूटीन बना लेना कि धीरे 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 करके आप अपनी वो रिटर्न प्रैक्टिस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप करोगे आप ये चाहोगे बेटा कि मैं सात आठ महीने बैठ के पढ़ता रहा और पेपर से एक महीना पहले मेरे को आंसर लिखना आ जाए वो चीज नहीं होती है वो पेपर वाले थ्री आर्ट्स की तैयारी आपकी आज से शुरू हो चुकी है इसलिए वो राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपको लगता है जरूरत से ज्यादा आपकी वीक है तो समय के साथ साथ धीरे धीरे आपको उस पर काम करना पड़ेगा और इस बैच में हमें एक एडवांटेज बहुत अच्छा है इस बैच में बेटा हमारी लॉकी क्लास कितने दिन चलेगी हफ्ते में कितने दिन चलेगी सर क्या बता छह दिन लो पढ़ोगे पढ़ लोगे सातवें से सिक्स आउट ऑफ सेवन चलो बेटा मेरे को तीन से चार क्लास दे दो तुम कहोगे सर सातवें दिन भी क्लास लगा लो अगर तुम कहोगे तो मैं छह में तुम्हें एक दो दिन की छुट्टी भी दे दूंगा और तुम कहोगे तो मैं सातवें दिन की क्लास लगाऊंगा डन है अरे खुद पर तो भरोसा रखो इसमें भी आनी भर रहे बताओ खुद पर भी डाउट कर रहे हो तुम कहोगे तो क्लास होगी वरना नहीं बताओ इससे ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी कुछ होती है चलो तो ये मेरी गारंटी है एंड छह दिन बेटा जब हम कहते हैं छह दिन में मैंने जो इस नए सिलेबस के अंदर प्लानिंग करी ये करिए कि सिक्स में हम एक दिन कोई भी उठा करके, करेंगे, पर वन आउट ऑफ सिक्स डेज विल ट्राई कि हम राइटिंग प्रैक्टिस को अच्छे से डिवोट करें वहां पर आपका साथ चाहिएगा और जैसे जैसे बेटा हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा कोई भी चैप्टर खत्म होता चलेगा हर चैप्टर का आपका टेस्ट हुआ करेगा तो वहां पर आपका साथ चाहिएगा कि वो टेस्ट आप स्किप ना करो आप गलती से भी अपने माइंड को ये नहीं कहोगे नहीं यार अभी चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाया बाद में सारे टेस्ट इकट्ठे दे दूंगा नहीं बेटा बात तो बाद ही होती है जितनी तैयारी अभी कर लोगे वो बस बाद में पक्की होती है उसको आप रिवाइज करते हो तो बाद के लिए चीजों को मत टालना साथ साथ वो टेस्ट आप करते हुए चलिएगा आई एम वेरी श्योर sure की विदिन फ्यू वीक्स के टाइम ही आपकी वो रिटर्न प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी और आपको एटलीस्ट लॉ लिखने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो चीज आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं देगी एनी ये आपका सिलेबस है बेटा और आपका फियर कम करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट का ही क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट क्या है बहुत अरे क्या है बहुत दया माने बेटा और तुम पर तो कुछ ज्यादा ही दया बरस गई इंस्टीट्यूट की बड़ा इंस्टीट्यूट कह रहा है कि ये जो सौ नंबर का पेपर है ना सो नंबर का पेपर पूरा सब्जेक्टिव भी नहीं होगा इसमें आपका सब्जेक्टिव पेपर सिर्फ कितना है सत्तर और तीस नंबर क्या गया बेटा एमसीक्यू ओल्ड सिलेबस में भी बेटा एमसीक्यू हुआ करते थे पर वो आउट ऑफ एट पेपर आपके सिर्फ चार ही पेपर में थे पर इंटर में बेटा जो आपके छह पेपर है उसमें एमसीक्यू किसमें है सब में क्या बात कर कॉस्टिंग में भी आ गए अरे क्या बात बताओ ये होती है किस्मत नहीं चलो तो बेटा ये आपके बिल्कुल किस्मत है अच्छी चीज है कि आपको थर्टी मार्क्स का यहां पर एमसीक्यू पेपर लिखने को मिलेगा और एमसीक्यू पेपर की बेटा खास बात क्या होती है यहां पर आपको कोई भी रीजनिंग नहीं देनी मतलब अगर चार में से मैंने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है तो उसका रीजन आपको नहीं देना क्यों किया है? लिख के दिखाओ ना लिखना ही नहीं तो तीस नंबर तो बेटा तुम्हारा बिना कुछ लिखे आ रहे हैं जहां पर आपको सिर्फ सर्कल फिल करने हैं और मैं कहता हूं अगर आपने तरीके से पढ़ाई करी बेटा तीस के तीस भी आप यहां पर ला सकते हो पर बेयर मिनिमम मैं मानकर चलता हूं पच्चीस तो तुम्हारे कहीं नहीं गए पच्चीस तो आई जाएंगे तो अगर तीस में से पच्चीस ले आए पास होने के लिए सत्तर में से कितने चाहिए तो तीस में से पच्चीस तो सत्तर में से पास के लिए ये तो टफ सवाल है गुड क्वेश्चन में से पच्चीस है बेटा सत्तर में और कितने लाए कि हम पास हो जाए ऑप्शन नंबर ए दस नंबर ऑप्शन नंबर चाहिए तो ले आंसर लिखोगे सत्तर में से पंद्रह तो, तो आ जाएंगे और बेटा थोड़ा सा भी तरीके से आंसर लिखा होगा सत्तर में से आपके चालीस पचास कहीं भी नहीं गए और द मोमेंट आप सत्तर में से चालीस पचास ले आते हो क्या वो एग्जामिशन का टारगेट हमारा आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा तो स्कोरिंग इट्स नॉट द मतलब यहाँ पे मैं कहूंगा स्कोरिंग हमारा कभी भी पेन पॉइंट नहीं होना चाहिए लॉ में नंबर आ जाएंगे बेटा लॉ में मार्क्स लाने का आप कभी भी टेंशन मत लेना और ग्रुप वन में बेटा जो बे, बच्चा रैंक को एम करके चल रहा है या बोथ ग्रुप्स के अंदर जो भी बच्चा रैंक को एम करके चल रहा है और ये मानकर चलना अकाउंट्स पे सारे बच्चे काम करते हैं उसमें हर रैंक का अस्सी नब्बे ले आता है टेक्स एफ एम कॉस्टिंग इन सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो इनमें हर बच्चा काम करता है और यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आप अस्सी नब्बे प्लस ले आते हो और आपकी रैंक बनती है अल्टीमेट जो आपकी रैंक डिसाइड करेगी वो कौन करेगी लॉ या ऑडिट जैसे पेपर वो ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बच्चों के मार्क्स मार्क्सिवली थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड पर रहते हैं क्योंकि वो थियोरी पेपर होते हैं अगर आप इनमें मेहनत करके इनमें थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर जाओगे तो आपका ओवरऑल स्कोर बूस्ट अप और आपकी रैंक बहुत आगे आगे और बहुत अच्छे से इंप्रूव भी हो सकती है तो इसलिए वो तरीके से आप काम करना हर पेपर को क्या सोचकर लिखना कि मेरे को सो ही लाने और तुने की ही तैयारी आपको करनी है बट विद दैट आपका पेपर अब आप थोड़ा सा आसान हो गया बिकॉज थर्टी मार्क्स के एमसीक्यू है एंड यहां पर भी बेटा जो आपका बाइफरकेशन रहेगा या रहना चाहिए वो कैसा रहेगा जो सत्तर नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है उसमें कॉर्पोरेट लॉ कितने का आएगा कितना हो गया सर ये ऐसे सवाल हमसे पूछा डे वन है सर इतने टफ क्वेश्चन है डे वन पे अरे को सत्तर का सत्तर परसेंट कितना होगा चलो तो सत्तर का सत्तर परसेंट बेटा फोर्टी नाइन कॉर्पोरेट लॉ हो गया एंड थर्टी परसेंट ट्वेंटी वन आपका अदर लॉ लाइक वाइज आपका

मैं अपने लिए तो <laughs> तो इसलिए आता नहीं था इसलिए छोड़ाया ठीक तो अभी तक इंस्टीट्यूट ने अपना जो प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया बेटा सिलेबस का उसमें इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कह रखा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इंस्टीट्यूट का मन तुम्हारे अटेम्प्ट तक बदल जाए तो बात अलग है उनको लगे जी जरूरत से ज्यादा दया हो गई बच्चे पे तो हो सकता है वो इसके लिए रूल चेंज कर दे कभी भी रूल चेंज करते लेट यू नो बट एट एट या प्रेजेंट अगर मैं बात करूं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दया बनी रहनी चाहिए चलो कृपा बनी रहे तुम पे चलो दूसरा बेटा कोई रीजनिंग आपको नहीं देनी क्योंकि आप जो अपने एमसी के आंसर फिल करोगे वो आप करेंगे इन दी ओएमआर शीट आपको एक ओएमआर शीट मिलती है जिसमें आप अपने आंसर फिल करते हो ऑब्वियसली गलती से उसके साइड में रीजनिंग बता दिखाना क्या सर्कल फिल किया बाजू में लिख दिया हाँ ये रीजन है लाइक सिर्फ सर्कल फिल करके आपको आना है

एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको एग्जामिनर को ही जमा कराना होता है एक तो जब आपका पेपर होगा आप एग्जामिनर को अपने सब्जेक्टिव आंसर शीट दोगे एमसीक्यूज वाली ओएमआर शीट दोगे और एमसीक्यूज का क्वेश्चन पेपर दोगे सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ला सकते हो बाकी मैं फिर से कह रहा हूं जब आपका रोल नंबर आएगा उसमें सारी इंस्ट्रक्शन होंगी उनको तरीके से पढ़ लेना तो बड़ा ये हमारा सिलेबस रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम के लिए लास्ट बता दो कॉर्पोरेट लॉ में क्या क्या पढ़ने वाले हो कंपनी सेक्टर और अदर लॉ में GCA था सर और इंटरप्रिटेशन था और पेबर बस ये थोड़े से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और बड़ा ये छोटा सा टारगेट अचीव करने के लिए हम कुछ टूल्स की मदद लेंगे जिसमें आपका सबसे पहला टूल तो आ जाएगा आपका वॉल्यूम वॉल्यूम दिस विल बी योर वॉल्यूम्यूम ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वॉल्यूम वन जो बेटा आपका है, इसमें आपका पूरा कंपनीज एक्ट कवर्ड है तो जो आपका पूरा कंपनीज एक्ट है कंपनीज एक्ट के जो ग्यारह चैप्टर है वो तो आपको वॉल्यूम वन के अंदर ही कवर्ड मिलेंगे एंड आज तलक बेटा इंस्टीट्यूट ने जितने भी टॉपिक्स आपकी बुक में

तो बड़ा अगर मेरे से पढ़ने के बाद या मेरे से कोचिंग लेने के बाद आपको स्टडी मैट अलग से पढ़ना पड़े आर अलग से पढ़नी पड़े एम अलग से पढ़नी पड़े फिर मैं कहूँगा कोचिंग ली क्यों फिर कोचिंग का फ़ायदा ही क्या है तो जब मैं कोचिंग लगाते हैं कोई भी स्टूडेंट कोचिंग लगाते हैं परपस ये होता है कि इस सारा होमवर्क आपका टीचर आपके लिए करे तो ये सारा होमवर्क मैंने आपके लिए कराया पिछला पूरा एक महीना जो मेरा इसी चीज के ऊपर निकला है, पूरी बुक निकला नए सिलेबस के हिसाब से उसे एडिक्वेटली अपडेट करने में निकला तो ट्रस्ट में इस चीज के लिए आप मेरे पर भरोसा करेंगे हाँ एडिशनली जो आपको करना होगा क्या कर सकते हो लेट से जो नवंबर तेईस का पेपर आएगा नवंबर तेईस की आर टी पी आएगी तो मैं अंतरियामित तो होनी बुक में कवर कर दूं तो वो एडिशनल टॉपिक्स होंगे बेटा वो आप अपनी तरफ से एडिशनल प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो वो भी हम बैच के साथ साथ या बाद में जब हम रिवीजन सेशंस लगाएंगे उनमें मैं आपकी कवर करवा दूंगा बट हाँ वो कुछ एक्स्ट्रा होगा जो आपको पेपर तक करना पड़ेगा बट टिल डेट जब आपका आज के दिन में बैच बना आज तक का सब कुछ आपका कंपनीज एक्ट का इस बुक में कवर्ड है अलोंग विद ऑल दी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर आपको कवर्ड मिलेंगे एंड साथ ही साथ बेटा क्या आपको लॉ के लिए अलग से एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बुक की ड्राफ्टिंग इस तरीके से करी है जैसे ही बुक में आपका कोई भी चैप्टर फिनिश होगा हर चैप्टर के एंड में आपको दिए जाएंगे ब्लैंक पेजेस तो आपकी जितनी भी नोटिंग होंगी वो इसी बुक के अंदर होंगी यहाँ पर आपको सफिशियंट ब्लैंक पेजेस मिलेंगे कि आपका पूरा सिलेबस की जितनी भी नोटिंग है यहाँ पर आपकी हो जाएगी तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है मैं यही चाहूंगा कि आपको अलग अलग रजिस्टर्स ना कैरी करने पड़े लास्ट डे जब आपका एग्जाम का होगा तो वहां पर आपके लिए पढ़ने के लिए सारी चीजें एक ही जगह कंपाइल है उसी इंटेंट से बुक थोड़ी सी बनाई गई है तो यहाँ की बेटा आपकी वॉल्यूम वन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की आप बच्चों में जो भी रजिस्टर्ड हो चुके ऑलरेडी उनको ये बुक मिल चुकी होगी जितने भी हमारे लाइव एट होम एंड जीडीपीडी स्टूडेंट्स हैं आपकी वॉल्यूम वन आपको डिस्पैच हो चुकी है कई बच्चों तक पहुंच चुकी होगी कहीं तक पहुंचने वाली होगी जो अभी ऑर्डर प्लेस करेंगे दो से तीन दिन में उनके पास पहुंच जाएगी तो वॉल्यूम वन आपको अभी मिलेगा इसके बाद बेटा जो सेकंड टूल आपका आएगा वो आएगा ऑब्वियसली वॉल्यूम नंबर सेकंड ये जो वॉल्यूम सेकेंड होगी बेटा इसमें आपका एलएलपी एक्ट कवर्ड होगा और बाकी के जो तीनों कानून है वो इस बुक में आपके कवर्ड रहेंगे तो एल एंड अदर लॉस ये आपके वॉल्यूम टू में कवर्ड है एंड सेम थिंग जितने भी आज तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन्क्लूडिंग एल एल पी के आज तक फाउंडेशन में जितनी आरटीपीज एम सजेस्टेड जितने क्वेश्चन फाउंडेशन में भी बने इवन वो भी एल के इस बुक में मैंने कवर किया एंड इंक्लूडिंग फेमा फेमा क्योंकि सीए फाइनल का टॉपिक है सीए फाइनल में आज तक फेमा में जितने सवाल बने थे सब्जेक्टिव ए टू जेड आरटीपी एमटीपी Everything is covered in this book. आपको अलग से कहीं भी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बस आप इसको तरीके से पढ़ लेना तो ये आएगा बेटा आपका वॉल्यूम वन एंड्यूम टू सर बाकी दो टूल्स कौन से हैं फिर तो हो दो किताबें होगी बहुत है तो बड़ा एक चीज रहेगी ना एमसी उसकी तैयारी भी तो करनी है तो थोड़ा इसके लिए आपको मिलेगी एक एमसी की बुकलेट जिसमें आपके सारे टॉपिक्स जितने भी पंद्रह चैप्टर हैं सबके ए टू जेड सारे एमसीक्यूज आपको इस एमसीक्यू बुकलेट में मिलने वाले हैं जिसमें आपके पास्ट आर टीपीज एम टी पेपर जितने भी एमसीक्यूज है वो कवर्ड है मेरे द्वारा बनाए गए एमसीक्यूज कवर है एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बुक इस बुक के एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस कर जाओगे एम sure आपको पेपर में दिक्कत नहीं आने वाली और बेटा एक ही चीज ध्यान रखना जब भी आप लॉ पढ़ो लॉ के कंटेंट पर ग्रिप बनाना

हमने पूरा सिलेबस आपके लिए समराइज नोट्स बनाकर इसी कॉम्पैक्ट में आपको दिया हुआ है जिसमें आपके सारे सिलेबस की ए टू जेड सारी बातें इस कॉम्पैक्ट में कवर्ड है फिफ्टी पेजेस में आपका पूरा सिलेबस आपको कंपाइल मिलेगा वॉल्यूम वन रेडी है आपकी प्रिंट ऑलरेडी हो चुकी है आप सबको मिल जाएगी सारे हमारे लाइव जीडीपीडी सबको मिल जाएगी बाकी तीनों बुक्स अंडर प्रिंटिंग है जिसमें से कुछ कुछ बुक्स प्रिंट हो चुकी हैं पर बाकी तीनों आपको इकट्ठे बाद में एक साथ भेजी जाएंगी तो बाकी तीनों किताबें जैसी प्रिंट हो जाएंगी आई एम sure वेरी श्योर की इन नेक्स्ट मे बी एट टू तो टेन डेज तीनों किताबें आपकी प्रिंट होकर आ जानी चाहिए तो बाकी तीनों किताबें बच्चों आपको बाई पोस्ट आपके पास पहुंच जाएंगे जितने भी फेस टू फेस के बच्चे हैं आपको तो यहीं पर मिल जाएंगे तो जो फेस टू फेस लाइव एट सेंटर है आपको यहीं पर किताब मिलेगी लाइव एट होम जी डी आपके पास ऑटोमेटिकली वो बुक पहुंच जाएगी चिंता ना करिएगा थोड़े तो आज की क्लास का पहला टारगेट समाप्त किसी को कोई डाउट कुछ पूछना सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ और हाँ जी के नोट्स बनाओगे किताब के अंदर बनाओगे बस राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अलग से एक नोटबुक बनाओगे उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करोगे बुक के अंदर थोड़ी ना आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उनको दस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना उसके लिए अलग से नोटबुक हम बनाएंगे छोटी सी जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होगी ठीक पर जो कंटेंट हमारा होगा सारा कंटेंट इसी बुक में आपको ब्लैंक पेजेस मिलेंगे बुक की लेंथ देखकर मत डर जाना क्योंकि ऑब्वियसली बुक की विड जो है वो ब्लैंक पेजेस की वजह से बढ़ गई है क्योंकि उसमें मैंने ब्लैंक पेजेस जगह जगह इंसर्ट किया एंड बेटा थिये पेपर में हमेशा आपकी फ्लैश मेमरी काम करती है ये याद रखना क्योंकि जब आप पेपर में लिखने जाते हो ना आपको ये याद आता है अच्छा उस बुक के उस कोने में लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप में ये बात लिखी हुई थी वो आपकी माइंड से याद आती है आपको रिकॉल होती है और तब जाकर आप पेपर में लिखते हो तो अगर आप अपनी फ्लैश मेमरी को डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कर दोगे तो चीजें रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आप बुक से कोई कंटेंट पढ़ोगे वही सेम सेक्शन आप एज इट इज किसी दूसरी नोटबुक में लिखोगे फिर तीसरी समरी बुक अपनी अलग से बनाओगे मेरी कॉम्पैक्ट तो तो है पेपर में आपके लिए इस प्रावधान को रिकॉल करना बड़ा मुश्किल होगा तो इसलिए पढ़ने का जो भी कंटेंट है वो एक ही जगह रखना ताकि पढ़ने में दिक्कत ना आए आपको अलग अलग, अलग उसको रेफर ना करना पड़े तो सब नोटिंग आपकी उसी में रहेंगे जैसे आप पढ़ोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हाँ जी और कोई डाउट हाँ जी और कोई सवाल पूछ लो कुछ पूछना है तो बस बहुत है आज के लिए फिर काफ़ी हो गया है करें क्लास ओवर या दूसरा टारगेट भी थोड़ा सा अचीव कर लें अच्छा था क्या दूसरा टारगेट हम तो भूल गए क्या था दूसरा टारगेट अरे न को दूसरा टारगेट क्या था हमें तो लग रहा है सर आप भूल गए हो इसलिए हमसे पूछ रहे हो चलिए बेटा तो दूसरा टारगेट बेटा जो आज के लिए हमारा आने वाला है वो आने वाला है कानून लॉ क्या होता है कानून क्या होता है तो करते हैं बेटा इसकी चर्चा शुरू और थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव रहना क्योंकि आगे जो भी डिस्कशन है सब स्टार्टिंग से ही कनेक्ट होगा इसलिए शुरू से अटेंटिव रहकर जो भी बातें बताने जा रहा समझना कि ये सारी बातें जिंदगी भर अब आपके काम आने वाली है तो लाइफ लॉन्ग आप इन बातों का इस्तेमाल करोगे और माइंड को फ्री इस सेंस में छोड़ सकते हो कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है तो इस परस्पेक्टिव से मैं समझना कि इसको रटना है क्योंकि ये सब आपके पेपर में नहीं आएगा ये मैं फिर से रिपीट कर दूं आज की क्लास में हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है उसको आपको कहीं से भी नहीं रटना

इंडिया में सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी जी इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी यही है इसके आगे किसी की नहीं चलती है। कौन है वो प्रेसिडेंट तो जी एक आंसर मेरे पास आया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाजू में पूछ रहे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी तो जी ये कह रही जी प्रेसिडेंट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जिनको हम पहला सिटीजन भी कहते हैं इंडिया का उनके पास सबसे सुप्रीमोस्ट पावर है सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी क्योंकि इनके साइन के बिना तो कोई कानून भी हमारे देश में लागू नहीं हो सकता पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत थोड़ा कितने बच्चे कह रहे प्रेसिडेंट इज द द इज सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी ऑफ दशीज नेशन अरे आप तो करो बस एक और ही बच्चे नहीं एक और चलो तीन चार पांच छह ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है आपके साथ हो तो करना है हाँ चलो मैं कहूंगा लगभग मेबी फाइव टू टेन परसेंट ऑफ दी जनता शायद चलिए तो प्रेसिडेंट एक आंसर था था जी, प्रेसिडेंट की इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी है प्रेसिडेंट की और कोई आंसर सुप्रीम कोर्ट ओके जी एक आंसर मेरे पास आया जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि जी सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी और बेटा सुप्रीम कोर्ट को एक और नाम जनरली दे दिया जाता है आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कौन सा एपेक्स कोर्ट ठीक सुप्रीम कोर्ट

कि जी हमारे देश की जो संसद है पार्लियामेंट वो हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है पार्लियामेंट से बढ़कर कुछ भी नहीं बेटा जब मैं पार्लियामेंट लिखता हूं क्या मैं साथ ही में गवर्नमेंट भी बोल सकता हूं हां जी क्या मैं गवर्नमेंट भी लिख सकता हूं गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के साथ लिखूं या गवर्नमेंट पार्लियामेंट से अलग है गवर्नमेंट को यहीं पे साथ लिख दूं या गवर्नमेंट पार्लियामेंट से अलग है कितने बच्चे कह रहे अलग है कितने कह रहे साथ ही लिख दो कितने कह रहे कहना क्या चाह रहे हो

स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी को चला तो नहीं पा रही कल देखा होगा आपने तो कैसे चला रही सरकार कैसे चला रही पार्लियामेंट को फिर चलो तो बेटा दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो होता है ध्यान रखना पार्लियामेंट और गवर्नमेंट सेम नहीं है देर इज अ डिफरेंस क्या डिफरेंस है सीख लेंगे पर अगर सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी की बात करें आपके हिसाब से बेटा ये चार ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं इसमें सबसे बड़ी सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी किसकी चिल्ला करके बोलेंगे जिसकी आवाज सबसे तेज आई ओहो सुप्रीम कोर्ट के साथ पार्लियामेंट के साथ भी नहीं गवर्नमेंट के साथ भी नहीं चलो एक दो तो आंसर्स मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं कि जी हमारे देश में सबसे बड़ी सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी है जी मोदी जी उनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं उन, उन क्या के तो जी राहुल गांधी भी बोल पाते हैं हाँ जी हाँ जी डाउन टू दैट कैम नॉट डों कोई मोदी जी के साथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहने को तो प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन होते हैं पर चलती हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर की है हाँ जी कितने बच्चे मोदी जी के साथ हैं कोई भी नहीं अगले साल इलेक्शन है यार कोई तो साथ रहो ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलेगा हाँ जी कितने बच्चे मोदी जी के साथ हैं <laughs> चलो जी कि कोई जी इनके साथ हो इनकी भी काफी चलती है हमारे देश में सबसे बड़ी अथॉरिटी इनकी है अमित शाह जी की इनके बेटे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं ठीक परिवारवाद का उसमें कोई रोल नहीं होता हाँ जी अमित शाह जी की, इनकी अथॉरिटी सबसे बड़े हमारे देश के जो होम है, मिनिस्टर हैं सबसे बड़ी अथॉरिटी इनकी मोदी जी के राइट हैंड तो यही है मोदी जी भी आधी बात इनसे कहकर सुनते हैं क्योंकि अभी पार्लियामेंट में आपको बताओ किसी मुद्दे पर कुछ बोलना है पर अमित शाह जी कह रहे हैं मोदी जी नहीं बोलेंगे मैं बोलूंगा मोदी जी को आगे नहीं आने दे रहे तो मोदी जी से भी आगे वो जा रहे हैं तो अमित शाह की सबसे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं अमित शाह के साथ होम मिनिस्टर नहीं राहुल गांधी एनी विद राहुल गांधी सुप्रीम मोस्टर अथॉरिटी चलो देर आर सम फैंस ऑफ राहुल गांधी नाउ ओके चलो एंड फाइनली बेटा एक और एक और आंसर जो मेरे पास आया है वो लिख देता हूं स्क्रीन पर ताकि एटलीस्ट सारे ऑप्शंस कवर हो जाए कितने बच्चे कर रहे जी योगी जी अच्छा ओके योगी जी मोदी जी भी बड़े हो गए हैं बोल्डर रहा डर नहीं लगता तुमको चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने बच्चे जी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं जी हमारे देश का संविधान संविधान से बढ़कर हमारे देश में कुछ भी नहीं अरे तुम तो पलट गए अभी सुप्रीम कोर्ट के साथ है कितने बच्चे जी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई नहीं होनी तो तो चाहिए प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट की गवर्नमेंट की मोदी जी की अमित शाह जी की या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ध्यान में सबसे बड़ी अथॉरिटी अगर किसी की है तो वो किसकी है हमारे देश का संविधान संविधान से बढ़कर बेटा हमारे देश में कोई भी नहीं है लगना द टॉप नॉच अथॉरिटी इन आवर कंट्री इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान के आगे आके बेटा हर किसी का सर झुक जाएगा क्योंकि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होंगे हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगी हमारे देश में एक सरकार होगी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होगा एक प्राइम मिनिस्टर होंगे एक होम मिनिस्टर होंगे ये सारी बातें अल्टीमेटली निकल करके कहां से आती है संविधान ये सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया में पार्लियामेंट होगी इंडिया के अंदर इस टाइप से मिनिस्टर्स होंगे इंडिया में इस टाइप से प्राइम मिनिस्टर होंगे प्रेसिडेंट होंगे एवरीथिंग इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान से बढ़कर बेटा हमारे देश में कुछ भी नहीं होता और संविधान सबसे बड़ी अथॉरिटी रखता है इन दिस कंट्री इज क्लियर कंट्रीय संविधान क्या के बेटा कुछ भी नहीं है हाँ जी बहुत अच्छी बात तो कुछ अगर सर संविधान की अथॉरिटी सबसे बड़ी पर क्या संविधान में अमेंडमेंट्स नहीं आ सकती उससे एक और बेटर सवाल बनाऊ बताना बेटर सवाल है यानी बड़ा, हमारे देश में सबसे बड़ी अथॉरिटी मैं किसकी कह रहा हूं किसकी है अरे आवाज आनी चाहिए किसकी है तो बड़ा संविधान बनाया किसने तो जिसने संविधान बनाया उसकी अथॉरिटी तो संविधान से भी बड़ी है। आप तो अमेंडमेंट की कह रहे हो तो अगर बनाया किसने पहले तो वो बताओ अमेंडमेंट पे तो बाद में आएंगे तो जी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी उनका नाम बिल्कुल आगे आता है कि वो हमारे संविधान के रचियेता है वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन डॉक्टर तो बी आर अम्बेडकर जी वो हमारे संविधान के बेटा रचयिता थे उन्होंने हमारा संविधान लिखा था और हमारा संविधान लिखकर किस दिन कंप्लीट कर दिया था किस दिन वो किस दिन कंप्लीट कर दिया गया था अच्छा किस दिन इंडिया में लागू किया गया था चलो ये बता दो संविधान कब लागू हुआ था कितने बच्चे करें छब्बीस जनवरी उन्नीस इस दिन संविधान लागू हुआ था बाकी क्या सलब नहीं हमें क्या हम तो पैदा ही नहीं हुए थे हमें क्या है? संविधान कब लागू हुआ था छुट्टी तो तुम तो मांग लेते हो छुट्टी किस दिन मिलनी चाहिए नहीं बता रहे जी संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 तो इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हो गया था इवन दो संविधान बनकर पहले तैयार हो गया था अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करके पढ़ोगे तो उस पर डेट आपके आ जाती है 26 नवंबर उन्नीस की दिस डेट वॉज कंप्लीटेड पर इंडिया में लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 से कुछ प्रोविजन पहले भी लागू हो गए थे पर पूरा संविधान आपका टेक्निकली 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं अच्छा पढ़े बहुत टाइम हो गया कैसे सेलिब्रेट करते को? हैं कितना तरक्की कर चुका है चाहे वो कल्चरल हो डिफेंस वाइज होर मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड की इंडिया कितना पावरफुल है इस दिन आपको दिखाया जाता है तो संविधान लागू होना इतना बड़ा इवेंट है दैट इज वाई बेटा संविधान की अथॉरिटी सबसे बड़ी और संविधान किसने बनाया बेटा डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी वो संविधान को जब ड्राफ्ट किया जा रहा था उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे तो वॉज द रचेता ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए उनको रचेता कहा गया पर बेटा बी आर अंबेडकर जी को संविधान लिखने की जो अथॉरिटी थी वो अपने आप मिली थी या किसी ने दी होगी किसी ने कहा होगा ना जी आप संविधान लिखिए उनके पास वो अथॉरिटी कैसे आई मतलब क्वेश्चन वही आ गया कि संविधान बनाया किसने जिसने भी बनाया उसने कहा ठीक है मैं खुद नहीं लिख पाऊंगा मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ तो बी आर अम्बेडकर जी वो नॉलेजेबल पर्सन है उनको पूरा ज्ञान है वो अच्छे से संविधान लिख पाएंगे तो उन्होंने उस बेसिस पर संविधान लिखा कमिट्टी ने ओके कौन सी कमिटी ने बात भाई ने सही कही किसने प्लानिंग कमिटी ने प्लानिंग प्लानिंग कमीशन नीति आयोग नाम सुने सुनने लग रहे सर यही चिपका देते तो प्लानिंग कमीशन का भी नाम चेंज हो गया नित्याय बोलते हैं आजकल अरे किसने लिखा नालायक हमारा देश जो संविधान से चलता है वो लिखा किसने सर लिखा किसने तो बड़ा संविधान लिखा किसने ना वो बात संविधान नहीं बता रखी है कि मुझे बनाया किसने देखना चाहोगे संविधान ने कैसे बताइए चलो तो देख लेते संविधान वो बात कैसे बताता है चलिए बेटा ये है हमारे देश का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है इसका छोटा सा इंडेक्स मतलब इस संविधान में आपको ये सारी बातें देखने को मिल जाएंगी कि सेंटर में कौन है स्टेट्स कैसे काम करेंगे इंडिया का सिटीजन कौन होगा क्या आपके फंडामेंटल राइट हैं क्या डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है कौन प्रेसिडेंट होंगे कौन वाइस प्रेसिडेंट होंगे पार्लियामेंट कौन है पार्लियामेंट कैसे काम करेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एवरीथिंग इज गवर्न बाय बाई कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ बेटा इस संविधान के अंदर आपको देखने को मिल जाता है बस ये छोटा सा आपका संविधान है बस बस देखते हो उसको आप क्या बोल देते हो सेक्शन संविधान में इसको हम सेक्शन नहीं बोलते क्या बोलते हैं आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रेफर इट आर्टिकल तो आर्टिकल 395 लास्ट आर्टिकल नंबर आ गया इसके बाद इसके, आ इसके बाद कुछ स्केड्यूल्स आ गए इसके बाद टेक्निकली संविधान स्टार्ट हो रहा है सर ये क्या था ये इंडेक्स था बेटा ठीक है संविधान अभी शुरू नहीं हुआ संविधान यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा जब भी आपको एक कानून भी पढ़ते हो किसी भी कानून की स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिल जाता है प्रियम्बल लाइकवाइज हमारे संविधान का भी एक प्रियम्बल है प्रियम्बल जनरली क्या बताता है आपको उस कानून का मीनिंग स्कोप एंड ऑब्जेक्ट कि वो कानून क्यों बनाया गया क्या पर्पस ऑब्जेक्ट है जनरली वो बात प्रियम्बल है तो हमारे संविधान का भी बेटा एक है और उसी ने जवाब दिया हुआ है कि संविधान बनाया किसने है किसने बनाया बेटा हम सब ने वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अ से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवर्न सोशलिस्ट से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सो ऑन दैट इज बेटा संविधान की अगर रचिता की बात की जाए संविधान का रचिता कौन है हम हम सब ने मिलकर संविधान लिखा है तो हमारा हमारा देश देश चलेगा कैसे संविधान से तो चलने वाला है पर वो संविधान कैसे हमारे देश को चलाएगा संविधान बनाया भी बेटा किसने हम सब ने हमने कहा संविधान बना दिया क्या बात कर रहे हैं हमसे तो कौन पूछना है संविधान कैसे बना क्या आपसे किसी ने पूछा नहीं तो हमने संविधान कैसे लिखा ये कह रहे हमने संविधान बनाया हमसे तो कोई पूछने भी नहीं आया तो हमने संविधान कैसे बनाया ये नहीं आएगा भाई पेपर में बताया तो सही पेपर का पार्ट नहीं है कह रहे सर ये भी सुन लिया आपने। हाँ, सुन ली आपने मैं कितनी तेज बोलेगा सुन जाएगी हाँ जी तो बेटा हम सब ने संविधान कैसे बनाया अब मैं वो बात समझाने जा रहा हूं बड़े ध्यान से उसको समझिएगा संविधान हम सब ने ही बनाया है पर हम संविधान कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको इंडिया का थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम समझना पड़ेगा कि इंडिया पॉलिटिकली एंड लीगली काम कैसे करता है तो लेट्स सपोज बेटा ये हमारा भारत देश रियली सॉरी अगर मैं प्रॉपरली ड्राफ्ट ना कर पाऊं पर ठीक है जस्ट फॉर एग्जाम्पल नॉट वेरी गुड एट तो बेटा ये है हमारा भारत देश और हम सब सवा सौ करोड़ से ज्यादा इस देश को कम्प्राइज करते हैं और आज हमें इस देश को चलाना है तो बेटा ये देश चले कैसे इस देश को चलाने के लिए हमने कहा जी हमारे देश को चलाने के लिए इस देश के पास होना चाहिए एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो इस देश को रन करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इसी देश की सवा सो करोड़ से ज्यादा की आबादी वही मिलकर के संविधान के रचियता बनेंगे पर बेटा क्या हर एक इंसान के पास जाकर के

हर टुकड़े को बेटा हम क्या कहते हैं जितने भी टुकड़े हम करते हैं एवरी टुकड़े को वी विल रेफर एज अ सीट हर टुकड़े को हम क्या बोलेंगे सीट और हर टुकड़े को बेटा बोला जाता है सीट और इस तरीके से इंडिया के ऐसे लगभग कितने टुकड़े किए गए बेटा लगभग इसके टुकड़े किए गए साढ़े पांच सौ टू बी प्रिसाइस करंटली जो नंबर है टुकड़ों का दैट इज फाइव फोर्टी थ्री करंटली फाइव फोर्टी थ्री टुकड़े हैं पर जस्ट टू राउंड दैट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल टुकड़े जो इंडिया के हो सकते हैं वो साढ़े पांच सौ है तो मैं साढ़े पांच सौ का नंबर अभी के लिए उठा रहा हूं तो बड़ा इस तरीके से हमारे देश को छोटे 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 टुकड़ों में बांटा गया हर टुकड़े को बोला गया सीट और हर टुकड़े में जितने भी लोग थे उन सब लोगों से कहा गया कि आप सब मिलकर अपने टुकड़े का एक रिप्रेजेंटेटिव करिए इलेक्ट और जो भी बात ये रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा हम मानेंगे ये बात उस टुकड़े के सारे लोग मिलकर के बोल रहे हैं आप प्लीज समझिएगा डेमोक्रेसी काम कैसे करती है जो भी बात ये रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा वो बात इस टुकड़े के सारे लोग मिलकर बोल रहे हैं हम ये बात मानेंगे और वह रिप्रेजेंटेटिव को हम नाम क्या दे देते हैं तो तो हिंट लग गया होगा क्या बोलते हैं इसको बहुत अच्छे इसको बोला जाता है जी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये जो हमने साढ़े पांच सौ टुकड़े अपने देश के किए जो साढ़े पांच सौ सीट हमने अपने देश की बनाई ये साढ़े पांच सौ सीट्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है हमारे देश की लोकसभा द हाउस ऑफ हाउस ऑफ पीपल तो बड़ा इस तरीके से देश के साढ़े पांच सौ टुकड़े किए गए हर टुकड़े के लोगों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना और वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के उस देश की या उस टुकड़े के लोगों को करता है प्रेजेंट और ये प्रेजेंट कहाँ पर करता है बेटा लोकसभा में दैट इज हमारे देश की जो ये लोकसभा है जो हाउस ऑफ पीपल है ये हम सब ने मिलकर के बनाई है क्योंकि वहां पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनको हम सब ने चुन करके भेजा है और सर अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात अच्छे से ना सुने हमारे हिसाब से कायदे कानून ना बनाए काम ना करे तो क्या हम उसको बदल भी सकते हैं क्या बेटा बदल सकते हो कितने टाइम के बाद बदलने का मौका मिलता है हर पांच साल के बाद आपको बदलने का मौका मिलेगा अगला मौका कब आ रहा है अगले साल 2024 में आपके पास वो मौका आएगा जिसमें से, आप में से बहुत सारे बच्चे उसके पहली बार अपनी में वोट्स कास्ट करेंगे और आप तो लोकसभा में, में बोल रहे हो हमारा देश ये मानता है तो वो आपको बड़े देख करके सिलेक्ट करना है उन रिप्रेजेंटेटिव को हमने बोला दिस इज हाउ आर कंट्रीज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाई दीपल बिकॉज दिस इज हाउस ऑफ पीपल इसको लोकसभा जाता है बेटा क्योंकि लोगों ने मिलकर इसको बनाया क्लियर अरे बनी कुछ बात बेटा लोकसभा जैसी एक और सभा हमारे देश में उसको हम क्या कहते हैं राज्यसभा राज्यसभा मतलब हाउस ऑफ अरे हाउस ऑफ स्टेट्स राज्य स्टेट्स तो एक बेटा लोकसभा एक आपके आ जाती है राज्यसभा दोनों में अंतर अच्छा लोकसभा में भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं एमपीस राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेटिव कुछ लोगों को बैठे हुए आपने कभी देखा होगा उनको हम क्या बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं एम या एमएलएस राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं एमपी बोलोगे एमएलए बोलोगे देखना वो भी क्या होते हैं बेटा दोनों को ही हम कहते हैं एमपी बोथ आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सर दोनों में अंतर दोनों में अंतर ना मैंने ये अंतर मत बना सर लोकसभा में ग्रीन कारपेट है राज्यसभा में रेड है आए थे भी डिफरेंस आप टीवी पे का भी प्रोसीडिंग देखोगे ना अगर अमित शाह जी खड़े होकर बोल रहे हैं पीछे ग्रीन कारपेट हो समझ जाना लोकसभा में बोल रहे हैं और पीछे रेड कारपेट समझ जाना राज्यसभा में बोल रहे हैं पर जेनवन डिफरेंस हाँ जी एक सेकंड आप बोलो ठीक है इनडायरेक्टली कैसे आप जा सही रहे हो बिल्कुल बताओ कैसे भाई कह रहे सर लोकसभा के एमपीस को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के एमपीस को हम ही इलेक्ट करते हैं पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कोई भाई की बात में कुछ एडिशन करना चाहे कुछ एडिशन करना चाहो इनकी बात में हाँ जी लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं ना हाँ जी हाँ जी भाई को मैं देना लास्ट में कृतिका कह रही सर अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है सिलेबस में नहीं कृतिका अब नहीं है सर एमएलए करते हैं

हमारे देश में सिर्फ यूनियन नहीं है दैट इज सिर्फ सेंटर में सरकारें नहीं चलती हमारे देश को जब बनाया गया जब इनिशियली इंडिया आजाद हुआ और देश को चलाने की बात आई उन्होंने कहा हम इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ था इंडिया के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े थे अगर हम सब टुकड़ों की पावर छीन कर सिर्फ सेंटर को दे देते वो कभी भी इंडिया बनने नहीं, नहीं देते इसलिए उनको क्या कहते हैं चिंता मत करो सेंटर भी होगी और आपके पास भी पावर रहेगी तब जाकर इंडिया प्रॉपरली बन पाया था तो बेटा इंडिया में फेडरल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होता है क्योंकि यहां पर सेंटर में लोकसभा राज्यसभा तो है और स्टेट में भी आपको स्टेट के अंदर भी सरकारें देखने को मिलती है सबसे पहले बेटा ये जो लोकसभा और राज्यसभा होता है इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं पार्लियामेंट बस एक और अथॉरिटी या पार्टी इसके अंदर एड कर देंगे किसको प्रेसिडेंट तो जो लोकसभा है प्लस राज्यसभा है प्लस प्रेसिडेंट है इनको हमारे देश के क्या बोल दिया जाता है पार्लियामेंट इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को भी क्या कहा गया एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इस तरीके से बेटा सेंटर लेवल पर आपकी पार्लियामेंट का गठन किया गया जिसमें लोकसभा के एमपी को हमने इलेक्ट किया राज्यसभा के एमपी स्टेट से चुनकर किया क्योंकि इंडिया में है फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में बेटा कितने स्टेट्स हैं कितने कितने स्टेट्स स्टेट्स अच्छा चलो हैं हैं तो बड़ा, इंडिया में जो स्टेट्स क्या वो स्टैटिक होते हैं वो भी बदलते रहते हैं आजादी पर जितने देश या स्टेट उतने ही रहेंगे वो भी चेंज होते रहते हैं तो ध्यान रखना बेटा स्टेट्स भी री होते रहते हैं स्टेट्स घटते बढ़ते रहते हैं उसका बचपन में आपने ट्वेंटी नाइन पढ़े तो मैडम से जाके लड़ने लगना अब कितने हो गया जी ट्वेंटी एट क्योंकि जे के पहले आपका एक स्टेट हुआ करता था पर उसे डिवाइड करके दो क्या बना दी गई है यूनियन टेरिटरीज तो अब कितने स्टेट्स हो गए आपके टेरेटरीज और यूनियन टेरेटरीज आठ आठ आपकी यूनियन टेरेटरीज सर तो दो बना दी गई तो हमने तो सात पढ़ी थी बचपन में शायद तो दो तो नो जानी चाहिए तो बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छा दमनदीव दादर गे हवेली दो जो अलग अलग थी उनको यूनाइट कर दिया गया तो करंटली आपके ट्वेंटी एट एंड एट है बाकी कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो इंडिया में कितने स्टेट होंगे और कितनी यूनियन टेरिटरीज होगी ये बात अगर लिखी होगी तो कहां लिखी होगी इंडिया में इतने स्टेट्स होंगे अगर लिखी होगी बेटा तो कहां लिखी होगी सर हमारी सोशल स्टडीज की बुक में अरे कहां से निकल कर आएगी ना लायक है बात संविधान से तो जान लो ये भी हमारे देश के संविधान में ही लिखा है हमारे देश के संविधान का एक शेड्यूल 1 है वहां पर साफ साफ लिखा रहता है कि इंडिया में कितने स्टेट्स होंगे कितनी यूनियन टेरिटरीज होंगे तो जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज हो जाओ द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट यू कैन रेफर इज द कॉन्स्टिट्यूशन वहां से आपको पता चल जाएगा बस लेटेस्ट वाला संविधान आप पढ़िएगा एनी वेज बेटा इतने स्टेट्स हैं तो हमारे देश में बेटा सेंटर लेवल पर तो पार्लियामेंट बना दी गई पर स्टेट्स पर भी स्टेट्स की सरकारें बनी फॉर एक्साम्पल दिल्ली में दिल्ली की सरकार अलग है यूपी में भी आप अलग सरकार देखते हो हरियाणा में भी अलग सरकार देखते हो और जो स्टेट लेवल पर बेटा हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजेंगे दैट इज हर स्टेट की की भी बेटा अपनी सीटें गई फॉर अगर ये हरियाणा है हरियाणा के भी छोटे छोटे टुकड़े किए गए और हर स्टेट या हर टुकड़े के लोगों को बोला गया आप इस टुकड़े के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनो और बेटा जो इस टुकड़े का रिप्रेजेंटेटिव बनता है इसको हम क्या बोलते हैं एमएलए और एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्योंकि स्टेट में पार्लियामेंट जैसा आपको क्या देखने को मिलता है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली तो जैसे सेंट्रल लेवल पर बेटा पार्लियामेंट होती है स्टेट लेवल पर कौन होती है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को भी हम ही चुनते हैं डायरेक्टली और इनको क्या बोला जाता है एमएलए और बेटा फिर ये एमएलए चुन करके किसको भेजते हैं राज्यसभा के एमपीस को तो राज्यसभा के एमपीस इनके द्वारा होते हैं नेट नेट अगर मैं कहूं बेटा क्या हमारे देश में जितने भी एम काम करते हैं क्या वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे देश की जनता के द्वारा ही चुनकर के आए हैं यस yes. और बेटा क्या उन सब के द्वारा ही हमारे देश की पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है यस yes. तो जब देश आजाद हुआ बेटा वहां पर भी एक पार्लियामेंट ऑलरेडी थी और वहां पर उस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसको काम ही यह दिया गया कि आप हमारे देश का संविधान लिखोगे तो हम सब ने मिलकर बेटा अपने देश के एमपीस को चुन रखा था

इनकी भी अपनी एक विधानसभा है जैसे पार्लियामेंट में आप अमित शाह जी की प्रोसीडिंग देखते हो दिल्ली में भी विधानसभा नाम का एक मेट्रो स्टेशन है ना वो ऐसी विधानसभा नाम का मेट्रो स्टेशन थोड़ी नहीं वहीं पर विधानसभा है तो दिल्ली में जब भी कोई डिसीजन लिया जाना होता है वहां पर जाकर बैठते हैं ठीक तो यहाँ पर अपनी एक विधानसभा चलती है तो स्टेट्स में क्या होती है आ, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ कुछ स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वहां पर हम एम ना बोलकर क्या बोल देते हैं एमएलसी इंडिया में ऐसे सिर्फ छह ही स्टेट है जहां पर आपको एमएलसी देखने को मिलेगी जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट

तो बेटा वहां पर आपने एमएलए अभी हरियाणा में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं तो आप हरियाणा में जब वोट डालोगे वो मैं कौन से इलेक्शन के लिए डाल रहा हूँ सेंटर के एमपी वाले इलेक्शन के लिए या स्टेट के एमएलए वाले इलेक्शन के स्टेट के एमएलए और अगले साल मैं फिर से वोट डालूंगा पर अगले साल दो में मैं जो वोट डालूंगा वो हरियाणा के एमएलए वाले इलेक्शन के लिए डाल रहा या सेंटर के एमपी वाले इलेक्शन के लिए एमपी वाले इलेक्शन के लिए ध्यान रखना इस तरीके से आप वोटिंग करते हो बनी कुछ बात अरे आ रहा आर उसमें समझा इस तरीके से बेटा संविधान के एमपीस को बनाया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई उन्होंने बीआर अंबेडकर जी को पावर दी क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी एंड दैट इज हाउ ही ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन और हम सब पर वो संविधान लगा दिया गया हाँ जी राज्यसभा का जो भी एमपी होता है हम्म उसका इलेक्शन कैसे होगा हाँ ये कह रहे सर राज्यसभा में आज अगर कोई भी डिसीजन लिया जाना है तो क्या लोकसभा वाले उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं नहीं लोकसभा का डिसीजन अपना होता है राज्यसभा का डिसीजन अपना होता है बाकी आप एक चीज सीखोगे हमारे देश में जब भी कोई बिल पास होता है बेटा जब भी कोई कानून बनता है कानून कैसे बनता है बेटा कानून के लिए सीधा एक्ट आ जाता है पहले बिल बनता है और आपने सीखा होगा बेटा बिल कहां कहां पास होता है लोकसभा में राज्यसभा में और फाइनली कौन साइन करते हैं और फिर वो क्या बन जाता है तो यहीं से अगर आपके लिए एक सवाल बन जाए कि हमारे देश में कानून बनाता कौन है इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ आर नेशन तो क्या है पार्लियामेंट क्योंकि लोकसभा राज्यसभा और प्रेजिडेंट को हम क्या बोलते हैं पार्लियामेंट तो सबसे पहली बात बेटा हमारे देश में जब भी कानून बनाने की बात आएगी तो हमारे देश का लेजिसलेटिव ऑर्गन तो कौन है पार्लियामेंट पार्लियामेंट इज द वन दैट मेक्स लॉ इज इज क्लियर अरे बनी कुछ बात और बेटा पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाते हैं लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट अब आते हैं आपके साई क्वेश्चन के ऊपर आपने कहा सर आज कोई बिल पास होना था

कि जब हमारे संविधान की बात होती है संविधान में जब भी आप कोई बिल पास कराते हो वो बिल या तो उसका मनी बिल या वो उस एक नॉन मनी बिल फॉर एग्जाम्पल आपका जो हर साल बजट आता है बेटा बजट भी क्या होता है अल्टीमेटली फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल को आप बजट बोलते हो लोकसभा राज्यसभा में पास होता है प्रेसिडेंट साइन करता है तब वो बनता है फाइनेंस एक्ट तब जाकर के बजट इंप्लीमेंट होता है तो बेटा जो नॉन मॉनेटरी बिल होता है वहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अपनी डिस्क्रिप्शन है कोई भी एक दूसरे के पार को असर नहीं कर सकता बट जितने भी मनी बिल होते हैं वो लोकसभा में पास होते हैं राज्यसभा उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है पर लोकसभा उन ऑब्जेक्शन को मानने को बाउंड नहीं होता मतलब अगर राज्यसभा ने कहा जी इसमें ये बदलाव करो लोकसभा नहीं नहीं जी आप ऐसे ही पास करो तो वो पास हो जाता है तो मनी बिल्स राज्यसभा लिमिटेड पर नॉन मनी बिल राज्यसभा को पूरी डिस्क्रिप्शन मिलती है वो उसकी चॉइस है और आज अगर बेटा मोदी जी चाहे अमित शाह जी चाहे इंडिया में सिर्फ मेरी चले तो बेटा क्या वो लोकसभा में मेजोरिटी लेकर आ गए थे यस पर राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा में मेजोरिटी के लिए उनको क्या करना पड़ेगा बहुत अच्छे स्टेट्स के इलेक्शन जीतने पड़ेंगे आप धीरे धीरे करके स्टेट्स के इलेक्शन जीतते जाओ जैसे जैसे आप स्टेट के इलेक्शन जीतते जाओगे क्या राज्यसभा में भी आपका कंट्रोल आ जाएगा और अगर बेटा सारे स्टेट्स में उनका कंट्रोल आ गया लोकसभा में उनका कंट्रोल आ गया राज्यसभा में उनका कंट्रोल आ गया तो क्या ओपोजिशन की कोई जरूरत पड़ेगी

चलिए बेटा तो हमारे देश में अगर मैं बात करूं कानून बनाता कौन है तो कानून बनाती एक सवाल उठा, कि सर, पार्लियामेंट तो ठीक है पर पार्लियामेंट के साथ साथ एक और वर्ड होता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट क्या पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में कुछ अंतर है बेटा मैंने कहा था अंतर तो है अब अंतर अगर आप बताना चाहो क्या होता है अपनी तरफ से और बेटा ये सारी चीजें समझ लेना बिकॉज इस सारी डिस्कशन से आपको समझ में आ जाएगा देश में कंपनी एक्ट कैसे बना बस दो ही बच्चे माइक देना यार तीन चार पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में क्या अंतर है शिवम आई होप आपका डाउट क्लियर है एमपी और एमएलए का डिफरेंस मित्र डोंट वरी भाई सारा समराइज में कर दूंगा टुवर्ड्स एंड अभी आप समझो जो मैं समझा रहा हूँ हाँ जी भाई प्लीज सर पार्लियामेंट में सर ओपोजिशन भी होती है और दोनों मतलब अपोजिशन और मेन पार्टी भी होती है भाई करे सर सर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं और जब भी हम लोकसभा राज्यसभा उठाकर देखते हैं क्या बेटा वहां पर सिर्फ स्मृति ईरानी जी बैठे होते हैं है। दोनों क्यों बैठे हुए हैं क्योंकि इंडिया में जब साढ़े पांच सौ टुकड़े गए उसमें से एक टुकड़े पर तो अपनी सीट पर कौन जीती होंगी स्मृति ईरान जी पर एक टुकड़े पर कौन जीत जीते होंगे मेजोरिटी टुकड़ों पर कौन सी पार्टी जीती होगी बीजेपी क्योंकि हर टुकड़े पर हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो मेजोरिटी में तो कौन जीत गया बीजेपी पर क्या ऑपोजिशन बुरी तरह हारी उनके पास भी कुछ सीट आई कुछ ऐसे टुकड़े थे जहां पर लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का एमपी चुन रहा हूं तो इनके कहने का तात्पर्य रही है कि सर लोकसभा और राज्यसभा में रूलिंग पार्टी के एमपीस भी बैठे होते हैं और ऑपोजिशन पार्टीज के भी क्या है क्लियर है फिर बड़ा गवर्नमेंट क्या होती है माइक माइक पे बोलो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं बीजेपी है अभी तो बीजेपी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ लोकसभा में साढ़े पांच सौ सीट्स हैं उसमें लेट सपोज बीजेपी बीजेपी के पास तीन सौ सीट है तो तीन सौ के तीन सौ एमपी बीजेपी के आज लोकसभा में है उसकी मेजोरिटी है तो क्या मैं बीजेपी के तीन सौ एम पी को सरकार बोल सकता हूं आर हूँ गवर्नमेंट नो सवाल गए मैंने कहा लोकसभा में फाइव फिफ्टी सीट है आप कह रहे हो मैं कह रहा हूं उसमें से बीजेपी के पास तीन सौ सीट है तो क्या ये 300 के 300 सौ जो बीजेपी के चुनके आए हैं क्या ये सब सरकार है आर दी गवर्नमेंट

साढ़े पांच सौ सीट पर वोटिंग हुई जिसमें तीन सौ पर बीजेपी वाले जीत गए तो अब देश में चलेगी किसकी बीजेपी की पर क्या ये तीन सौ एमपीज मिलकर के देश चलाएंगे अब इन 300 में अलग लड़ाई चलेगी मतलब जब एक पार्टी जीत जाती है जब जी, बीजेपी जीत गई और तीन सौ एमपीज उनके आ गए अब ये तीन सौ एमपीज आपस में फाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए कि जी हमें से सरकार कौन चलाएगा क्योंकि हमारे देश में बेटा सरकार किसको बोला जाएगा तो बेटा किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश के किए गए फंक्शनल विभाजन क्योंकि जैसे किसी भी कंपनी कंपनी को चलाना होता है तो बड़ा में डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग फॉर परचेज डिपार्टमेंट अलग है मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है सेल का अलग है लाइक वाइज आज अगर हमें अपने भारत देश को तरीके से चलाना है कि देश अच्छे से चलता रहे तो बड़ा देश में हमें किन किन चीजों पर खास नजर रखनी पड़ेगी क्या बड़ा देश के फाइनेंसिस पर नजर होनी चाहिए हाँ जी क्या देश के फाइनेंसिस पर नजर होनी चाहिए बड़ा फाइनेंस का डिपार्टमेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट तो है कैसे देश की जनता से टैक्स आएगा उसको कहां कहां खर्च करना है तो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्या बेटा देश के डिफेंस पर भी एक इंपॉर्टेंट नजर होनी चाहिए कि बाहर वाला आकर के वॉर ना कर दे क्या डिफेंस भी मजबूत होना जरूरी है क्या बेटा इंटरनल हमारे जो होम अफेयर्स हैं क्या वो अच्छे से मैनेज होनी चाहिए यस yes. तो क्या होम मिनिस्ट्री भी आपका एक डिपार्टमेंट होना चाहिए तो बेटा इस तरीके से हम अपने देश को छोटे 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 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं जिन डिपार्टमेंट को छो� हम क्या बोलते थे अपने देश की मिनिस्ट्रीज जी देश को तरीके से चलाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग होनी चाहिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अलग होनी चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री अलग होनी चाहिए तो ये मिनिस्ट्रीज हैं जो देश को अल्टीमेटली तरीके से रन करेंगी और बेटा इन मिनिस्ट्रीज में टॉप पर कौन होता है उस मिनिस्ट्री का रिस्पेक्टिव मिनिस्टर फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन पर है बेटा मिनिस्टर कौन है अरे बता दो श्रीमती निर्मला सीतारामन जी शीज आर फाइनेंस मिनिस्टर लाइकवाइज बेटा आपका कंपनीज कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग से बनाया गया मतलब हमारी सरकार को कॉर्पोरेट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा लगता है कि देश को चलाने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट अफेयर्स की अलग से मिनिस्ट्री बना दी और बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी कौन संभालता है निर्मला सीतारामन जी मिनिस्ट्री ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है अरे बता दो अमित शाह जी डिफेंस राजनाथ सिंह जी तो बड़ा इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज को बनाया गया और से आते बीजेपी से आते किसके रूलिंग, पार्टी। तो बड़ा अब रूलिंग पार्टी में इन तीन सौ एमपीज में से कुछ लोगों को चुना जाएगा और उन्हें क्या दिया जाएगा मंत्री पद और वो बनेंगे हमारे देश में मिनिस्टर्स तो सर क्या बीजेपी के सारे एम मिनिस्टर्स नहीं बनते नहीं बनते उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो मंत्री पद ग्रहण करते हैं तो हर पार्टी में बेटा जीतने के बाद ये इंटरनल क्लैश चलता है कि इस बार मंत्री पद किसको मिलेगा किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए असली पैसा किसके पास आता होगा मिनिस्ट्रीज के पास और अगर किसी नेता को है कि जी मेरे पास पैसे का कंट्रोल आए तो उसको क्या बनना पड़ेगा मिनिस्टर क्योंकि अगर वो नॉर्मल एमपी रहेगा फिर तो बस अपनी सैलरी लेता रहेगा अगर उसे चाहिए उसके उसके पास पैसों का कंट्रोल आए तो उसके लिए उसे मंत्री पद ग्रैंड करना पड़ेगा उसे मिनिस्टर बनना जरूरी है तो ये इंटरनल फाइट चलती है बेटा और इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है और बेटा इन सब मिनिस्टर्स को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं हमारे देश की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको क्या बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बेटा ये सारे मिनिस्टर हमारे देश को तरीके से चला रहे हैं या नहीं हर मंत्री अपना काम अच्छे से कर रहा है नहीं। इन पर नजर रखने के लिए हमारे देश में इन सब मिनिस्टर्स के ऊपर एक और मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है जिस मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल दीज मिनिस्टर्स आर अल्टीमेटली आंसरेबल टू दी पीएम ऑफ इंडिया करेंट पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी तो जी सारे मंत्री उनको आंसरेबल हैं आज जितनी भी मिनिस्ट्रीज काम कर रही है उनको अगर एक चिट्ठी पीएमओ ऑफिस से आ गई तो उनकी खाट खड़ी हो जाती है, है हमसे कुछ गड़बड़ हुई है तो इसलिए हर मिनिस्टर इनको है तो ऑल दीज मिनिस्टर्स अलॉन्ग मिनिस्टर इनको हम बोलते हैं हमारे देश की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ लोग बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक और नाम दे देते हैं जिसको हम कह देते हैं कैबिनेट हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट इंटरचेंजेबली यूज करना थोड़ा सा गलत है

अब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं उनसे टैक्स वसूलना ये सब काम कौन करते हैं ये मिनिस्टर्स ये सब काम कौन करती है सरकार दैट इज बेटा हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारे देश में कानून बनाने की पावर तो हमने किसको दे रखी है पार्लियामेंट को तो पार्लियामेंट क्या है हमारे देश में लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो कानून बनाएगी पर कानून चलाने की पावर किसको दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है बेटा हमारे देश की एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट तो बेटा वन मेक्स लॉ इंडिया में कोई भी कानून बनना है पार्लियामेंट बनाएगी वो, वो सब काम कौन देखता है? Central government. Central government में बेटा कौन है रिपीट करेंगे एक बार, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेजिडेंट और बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ध्यान रखना बेटा हमारा जो पूरा देश है लीगल सिस्टम की हम बात करें हमारे देश का पूरा लीगल सिस्टम तीन पिलर्स पर टिका हुआ है एक पिलर तो कौन हो गई पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी दूसरी कौन हो गई जो कानून चलाएगी और तीसरा पिलर कौन सा है जो इन कानूनों की इंटरप्रिटेशन करने में हमारी मदद करेगा दैट इज द थर्ड पिलर इज द वन दैट इंटरप्रेट्स लॉ जिसके अंदर कौन आते हैं बेटा हमारी जुडिशरी या हमारे कोर्ट्स और बेटा इन तीन पिलर्स पर हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है कई बार आपको सुनने को मिल जाएगा कि बेटा एक और फोर्थ इनविजिबल पिलर हमारे देश में और काम करता है कौन होता है वो हमारे देश की मीडिया उनको इनविजिबल पिलर कह दिया जाता है क्योंकि वो जो चीज दिखाते हैं वो हमारा पूरा देश देखता है तो ये मीडिया को एक फोर्थ इनविजिबल पिलर कहा जाता है कि जी वो पार्लियामेंट सरकार कोर्ट्स पर अपनी नजर रखता है और लोगों को इंटीमेट करता है पर वो सिर्फ कहने के अंदर आता है Constitution, Constitution में कहीं लिखा ध्यान रखना एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये तीन जिससे हमारा देश रन करता है अरे बनी कुछ बात बेटा सिलेबस में मैं बार बार अगर आपसे पूछूंगा कंपनीज एक्ट किसने बनाया तो आप क्या जवाब दोगे कंपनीज एक्ट किसने बनाया क्या जवाब दोगे पर बेटा कंपनीज एक्ट को हमारे देश में चलाता कौन है

फाइनेंस तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री इट्स वन एंड सेम थिंग बिकॉज़ सीजी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर देखना चाहोगे हमारे देश को अभी कौन चला रहा है कौन कौन से मंत्री हमारे देश में दिखा दो सर चलो कह रहे हो तो कोई नहीं आपका डाउट याद है मेरे को ऐसा में सोचना सर ने डाउट स्किप किया खुद ही भूल गया होगा <laughs> चलिए जी कभी भी आपको हमारे देश के लिया स्क्रीन कोई दिक्कत नहीं देश की सरकार के बारे में जानना हो तो बेटा एक वेबसाइट है हमारे देश की सरकार की इंडियन या इंडिया डॉट जी ओवी डॉट इन इस पर आप जाओगे तो इसको हमारे, इस पर आपको हमारे देश के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे देश में सरकार क्या है पार्लियामेंट कौन है एमपीस कौन है एमएलएस कौन है एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम दिस वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर आकर अगर हम माई गवर्नमेंट के अंदर जाए तो अगर आपको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का अगर मन कर जाए बेटा यहां पर क्लिक करना आप कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड कर सकते हो तो हमारे देश का जो संविधान है वो तो आपको मिल जाएगा यू कैन डाउनलोड फुल फ्रॉम तो यहां से आपका संविधान डाउनलोड हो जाएगा बाकी इसकी एक कॉपी मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा अपने टाइम पास के लिए कभी पढ़ने का मनो देख लेना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है हालांकि संविधान अब आपके सिलेबस में थोड़ा सा है हमारे सिलेबस में कैसे है सर बेटा जब सीए इंटर क्लियर करने के बाद आप सीए फाइनल लेवल पर जाओगे अगर आपको पता हो तो आपको चार

अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर देखें पार्लियामेंट हमारे देश की पार्लियामेंट में कौन आता है तो आ गया बेटा इंडियन पार्लियामेंट इस पर जैसी क्लिक किया बेटा पार्लियामेंट में कौन कौन आ रहा है प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा प्रेसिडेंट पर क्लिक करोगे तो प्रेसिडेंट की एक प्रोफाइल आ जाएगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उनके बारे में आ गया अगर आप राज्यसभा पर क्लिक करोगे राज्यसभा की बेसिक डिटेल्स आ गई कि राज्यसभा में बेटा मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है 250 तो राज्यसभा की मैक्सिमम सीट 250 है जिसमें से 238 लोगों को तो हम इलेक्ट करके इनडायरेक्टली बेचते हैं दैट इज ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं पारा यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके राज्यसभा पर अपॉइंट करते हैं तो 250 बेटा मेंबर राज्यसभा में हो सकते हैं प्रेजेंटली राज्यसभा में जो करंटली सीट्स हैं दो आर 245 तो करंट सीट्स आर 245 मैक्सिमम इतनी होना पॉसिबल है सारे एमपीस के नाम यहां पर आ जाएंगे तो कभी पढ़ने का मन हो यहां से आप देख सकते हो लाइकवाइज लोकसभा बेटा लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स जो पॉसिबल है कितनी होती है 550 करंटली इनमें से कितनी सीट काम करती है फाइव फोर्टी थ्री मैक्सिम पॉसिबल बेटा साढ़े पांच सौ है करंटली लोकसभा में चार सौ सॉरी पांच सौ तैतालीस सीट है सर बाकी सात का क्या हुआ थोड़ा लोकसभा में जो ये सीट्स बनाए जाते हैं ना पॉपुलेशन के बेसिस पर बनाई जाती है तो या तो किसी सीट की पॉपुलेशन उतनी पहुंची नहीं थी कि वहां पर हम एक सीट बना पाए और कुछ हिस्सा बेटा आज के दिन में कश्मीर का कहीं हो रहा है तो उनकी सीट को हमें खाली रखना पड़ता है पीओके सुना होगा पाकिस्तान कश्मीर तो हमारे देश का हिस्सा तो है उनकी सीट अलॉट तो करते हैं पर क्योंकि पांच सौ है देर, वो सारे के नाम यहाँ पर आ गए तो ये हमारे देश की है पार्लियामेंट अगली बात अगर हम करें बेटा हमारे देश की सरकार सरकार में कौन कौन आ जाता है बेटा सरकार में आ जाएंगे आपके एक तो प्रेसिडेंट ऑब्वियसली एक आपके प्राइम मिनिस्टर जो टॉप पर बैठते हैं कौन है जी अरे चलो छोड़ो फोटो नहीं आया पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली कुछ मिनिस्ट्रीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है मतलब वो किसी और मंत्री को वो मिनिस्ट्री नहीं दे रहे फॉर एक्साम्पल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ अटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लाइक वाइस आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आ गए राजनाथ सिंह जी नितिन गडकरी जी गए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अमित शाह जी आ गए निर्मला सीतारामन जी आ गई आजकल स्मृति ईरानी जी इतनी क्यों छाई हुई है बेटा जब जब बजट बजट की बात आती है 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 भी सेशन फरवरी में में चलता न्यूज कौन छाई रहती है? निर्मला सीतारमन जी एक जब भी बजट की बात आती है न्यूज में आपकी निर्मला सीतारमन जी छाई रहेंगे बिकॉज उनके पास कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज वेल एज कॉर्पोरेट अफेयर तो इसलिए जब भी बजट आता है इनकी न्यूज दिखाई जाती है जब भी बेटा फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की कोई भी बात आती है ना आप इनको देखते हो स्क्रीन पर देखा हुआ है तो इनको बार बार क्यों देखते हो बेटा क्योंकि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो इसलिए इनकी फोटो आती है आजकल स्मृति ईरानी जितनी की खुश हुई है बिकॉज शी इज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मणिपुर में जो भी हुआ जो भी मतलब नहीं होना चाहिए था उसके लिए आंसरेबल ये क्योंकि इनको देश ने चुन करके भेजा हुआ है कि आप इस चीज के मंत्री हैं यू आर द टॉप पोजिशन फॉर दिस मिनिस्ट्री तो इस मिनिस्ट्री में कुछ भी गड़बड़ है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है दैट इज बाय बेटा मीडिया इनके ऊपर इसमें टिका हुआ है और इनकी सारी आंसरेबिलिटी यहां पर बनती है साथ ही साथ और किसकी आंसरेबिलिटी यहां पर बन जाती है अमित शाह तो आप अमित शाह को भी काफी ज्यादा आजकल न्यूज में देखते होंगे तो अमित शाह स्मृति जी इनकी रील ज्यादा इसलिए आती है बेटा क्योंकि ये आजकल लोकसभा राज्यसभा में ज्यादा छाए हुए हैं क्योंकि इनके डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज में गड़बड़िया यहां पर हुई हैं तो बेटा हमारे देश को चलाते ये है लोग हैं तो ध्यान रखना कानून पार्लियामेंट बनाती है पर कानून तरीके से चलाते हैं ये लोग सर क्या ये मंत्री इतने पढ़े लिखे होते हैं कि कानून बना भी ले और चला भी ले ये सवाल कहीं बार मन में आ जाता होगा है, इतने पढ़े लिखे हैं कि कानून की ड्राफ्टिंग कर लें, सेक्शन बना लें क्या लग रहा है इनके पास टाइम तो होता नहीं साल में तीन बार तो ही मिलते हैं हमारी पार्लियामेंट चौबीस घंटे काम नहीं करती ना थ्री डेज सिर्फ तीन सेशन में काम करती है कौन कौन सा समर चलो बजट मॉनसून एंड विंटर करंटली कौन सा सेशन चल रहा है आपका मॉनसून सेशन चल रहा है जो कल खत्म हो जाएगा टुमारो इज द लास्ट डेट इसके बाद वो सीधा विंटर्स में जाकर मिलेंगे इतने हमारे पार्लियामेंट काम ही नहीं करेगी तो पार्लियामेंट हर समय काम नहीं करती है बड़े ही रिलैक्सिंग लोग है आराम से तीन सेशन में हम काम करेंगे तो इसके बाद बेटा सीधा विंटर में काम होगा तो इसलिए कल आपका मानसून सेशन फिनिश हो जाएगा और इस वजह से बेटा पार्लियामेंट हमेशा वर्किंग नहीं होती तो वेज बेटा ये आप जो लोग देख रहे हैं क्या यही कानून बनाते होंगे नहीं कानून फिर बनाता को ना बे नेता लोग खुद काम करते होंगे काम करवाते होंगे इसलिए बेटा किसी भी मिनिस्ट्री में चुनकर टॉप पर कौन आ सकता है नेता पर एक्यूमेंट से आप किसी भी मिनिस्ट्री में कैसे पहुंच सकते हो यूपीएससी का पेपर पास करके फिर आप उस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हो तो किसी भी मिनिस्ट्री में टॉपर या तो नेता होता है या होता है सेक्रेटरी

हाँ जी इज क्लियर एंड दिस इज हाउ बेटा हमारा देश काम करता है और यहां पर आपको सारे एमएलएमएलसीज भी मिल जाएंगे आपको किसी भी स्टेट के एमएलए एमएलसी पढ़ने हो यहां पर लिंक्स है यू कैन गो एंड रीड दिस एंड दिस इज आवर कंट्री वर्क्स लास्ट टाइम बेटा अगर रिपीट करें सारी बातों का अगर एक बार कर ले हमारे देश में बेटा सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है अरे आंसर आना चाहिए सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे देश में किसकी है हमारे देश का संविधान संविधान से बढ़कर बेटा हमारे देश में कुछ भी नहीं होता और बेटा संविधान फिर बनाया किसने क्योंकि जिसने बनाया उसकी अथॉरिटी से भी बड़ी किसने बनाया हम सब ने क्योंकि हम सब ने मिलकर एमपीज एमएलए और वो लोग आगे जाकर फिर संविधान का रचिता बने एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंप्लीमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को पता था हमारे देश को चलाने के लिए यहाँ पर कुछ कायदे कानून होने चाहिए इसलिए उन्होंने लॉ बनाने की पावर किसको दी लेजिस्लेटिव ऑर्गन किसको बनाया लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन है प्लस, प्लस, साथ साथ ट में, में जो रूलिंग पार्टी के एमपीजे नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्रेसिडेंट और बेटा कानून को अगर इंटरप्रेट करने की बात आएगी तो तीसरा और कौन कौन सा हो जाता है हमारा

कि हम सब ने कैसे अपने देश में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया हुआ है बताओ किसकी वीडियो देखना चाहोगे राहुल गांधी की मोदी जी की स्मृति ईरानी की र, राहुल गांधी की चलो जी राहुल जी की एकदम लेटेस्ट वीडियो देख लें परसों ही क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं ना मॉनसून सेशन चल रहा है तो मॉनसून सेशन ऑन है तो एकदम लेटेस्ट वीडियो दिखा देता मॉनसून सेशन की क्योंकि अगर आपको पता हो बेटा राहुल गांधी जी अभी बड़े टफ फेज से गुजर रागो के आए तो हैं अरे 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 एक से राहुल गांधी राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ पता हो तो थोड़ा बहुत थोड़ा सा पॉलिटिक्स फॉलो करते हो स्क्रीन लेकर कोई नहीं बेटा उन्होंने एक बार गुजरात इलेक्शन में एक स्टेटमेंट दी थी मोदी नाम के ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई थी उनकी तरफ से क्योंकि ललित मोदी ये जो सारे मोदी नीरव मोदी थे तो उनके नाम में भी मोदी सरनेम ने मारा था तो उन्होंने उस मोदी सरनेम के लिए कुछ बोल दिया था

सीधा पर एक केस होगा अगले नोटिस आएगा कोर्ट से कि आपने हर सर की मान सम्मान की हानि करी है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो आपने जो ये सम्मान की हानि करी है चलिए उसके लिए कोर्ट में इस ये चीज इंडियन पिनल कोड में पिनलाइज हो सकती है इसी को हम कहते हैं मान हानि डिफेमेशन सूट तो आप कभी भी बेटा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर गलत लिखते हो बहुत सोच समझ कर लिखना अगर उस इंसान को थोड़ी सी भी नॉलेज है और थोड़ा सा भी उसको लीगल एंगल पता है वो आपको सीधा के सीधा जेल करवा सकता है ध्यान रखना ठीक आप ये मस्ती मजाक में कर जाते हो समय आपको पता नहीं होता कि आप कितने कानून तोड़ रहे होते हो पर ये सब चीजें हमारे देश में पनिशेबल हैं इसके लिए एक्शंस लिए जा सकते हैं ध्यान रखिए एनीवेज वेज बेटा इसी तरीके से उन्होंने मोदी वर्ड का एक सरनेम लिया तो बीजेपी के कोई गुजरात के नेता थे जिनका सरनेम मोदी था उन्होंने केस फाइल कर दिया कि आपने मेरा सरनेम कैसे ऐसे इस्तेमाल किया तो गुजरात कोर्ट ने बेटा उनकी एम की मेंबरशिप ही छीन ली कह रहे हम आपको एम के पद से हटा रहे दो साल की जेल हो गई तो राहुल गांधी को दो साल की जेल हुई थी फिर हाई कोर्ट में मैटर मैट हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक हुआ है बढ़िया है पर फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं देश में नेता को अगर स्पीच देने पर इस तरीके से जेल होने लग गई दो साल की और इसकी एमपी की मेंबरशिप छीन ली जाएगी तो आधे से ज्यादा नेता जेल में बैठे होंगे मतलब तो नेता को अगर भाषण देने के लिए आप ऐसे जेल करोगे तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एमपी की मेंबरशिप री करी और जैसे ही वो एज एन एमपी लोकसभा में लौटे ये इनकी पहली स्पीच ते परसों की स्पीच है लोगों की सुनता था सुना थे मेघनाथ

पर इतने सारे एम कांग्रेस के नहीं जीत पाए कि वो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी घोषित कर पाते इसलिए क्या हैं मोदी लोगों की सुनते हैं अमित शाह और हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं करो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो

Anyway, तो बेटा एकदम लेटेस्ट प्रोसीडिंग है आज आप जैसे ही क्लास के बाद जाओगे आपके इंस्टा पर पक्की बात है मोदी जी और निर्मला सीतारामन जी की रील्स आएंगी क्योंकि आज पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच देनी है शायद मोदी जी की स्पीच हो सकता है। चल भी रही हो चार बजे का समय था जब उन्हें स्पीच देनी थी तो उनकी स्पीच हो सकता भी करंटली रनिंग भी हो तो खड़े हो पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे होंगे तो बड़ा इन चीजों को अब आप सीए और सीए के अंदर लॉ पढ़ रहे हो थोड़ा सा और टैक्टिकली देखना कि वो कैसे स्पीच दे रहे हैं कैसे सेशन काम कर रहे हैं विल बी गिविंग द स्पीच तो आज उनकी पक्की बात है उनके आपको मीम्स वगैरह रील्स देखने को मिल जाएंगे तो दिस इज आउ द पार्लियामेंट वर्क्स एक और देखना चाहोगे पुरानी है थोड़ी सी राहुल गांधी और मोदी जी की या बस बहुत है चलो ये वाली देख लो कंप्लीट दिखाऊं ये इतना मतलब वो कह लो कि बहुत रफ हो जाता है क्लास के लिए इसलिए मैं बस दिखा रहा चलो ये वाली पूरी देख लो ये ठीक है ये ये जब 2019 के इलेक्शन थे फैम नोट रहा हूं तब की है याद है क्या देखी हुई सबने फिर देखनी है नहीं भी देखनी है। अंदर नफरत है आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा गुस्सा इतना सा क्रोध इतनी सी भी नफरत नहीं है मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सब के अंदर है और इस भावना तो मैं आप सब के अंदर से निकालूंगा एक एक करके मैं आपके अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा धन्यवाद नमस्कार बड़ा यही सब वो एमपी से इन सबको चुन के किसने भेजा हुआ है हम सब ने हमने सब नहीं चुना अब देखें मोदी जी क्या रिप्लाई देते हैं इस पे मोदी जी वाज वेरी शार्प एट दैट टाइम उन्होंने बहुत जल्दी से इसको पिक किया और क्या रिप्लाई दिया देखते हैं जो व्यवहार देख रहा था माने मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ और झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ यह इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जाना मोदी हटा और आप आग... बेटा स्पीकर इन चाहिएगा नहीं चाहिएगा इस वजह से चीज होता है बस इयरफोन और मैं हैरान हूँ आज सुबह तो मैं तो हैरान हूँ आज सुबह भी अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी मतदान नहीं हुआ था जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है उठो, उठो, उठो. न यहाँ कोई उठा सकता है न बिठा सकता है सवा सौ करोड़ देशवासी बिठा सकता सवा सौ करोड़ देशवासी उठा सकते लोकतंत्र में जनता पे भरोसा बस बेटा आई होप आपको आइडिया लग गया होगा हाउ द पार्लियामेंट वर्क्स दिस इज हाउ द पार्लियामेंट वर्क्स दिस इज नेवर एंडिंग पता नहीं कितनी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यस yes, स्वागत आई एम ग्लैड आपको बताए उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए बताया राहुल गांधी जी को जो एमपी री एस्टेट अभी किया गया वो इंटरिम रिलीफ है सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए उनका एमपी बना दिया फाइनल वर्डिक अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आना है बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक बात है इंटरिम वर्डिक्ट था हाँ जी आज मोदी जी जिस टॉपिक पर बोलेंगे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बोलेंगे ओपोजिशन ने कहा है कि जी सरकार गिर जाएगी उनके पास एम का सपोर्ट नहीं उनके एमपीज हमने तोड़ लिए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर आज मोदी जी की स्पीच है हाँ जी कुछ कह रहे थे आप हाँ डाउट वही ना अमेंड हाँ याद है मेरे को डोंट वरी वही तो कह रहा था मेरे को याद है चिंता मत करो भूला नहीं हो जब समय आएगा जवाब मिलेगा एनीवेज बेटा तो ये सारी बात है बेटा इस तरीके से हमारे देश का संविधान करता है काम एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन वर्क चलो भाई का डाउट आए भाई को जल्दी हो रही है थोड़ा संविधान हमारे देश में बनाता कौन है अरे हम ही बनाया हमने कैसे बनाया हमने एम पीज एमएलएज को चुन करके संविधान बनाया यार स्क्रीन देखना प्लीज एक बार टेक्निकल टीम फटाफट से स्क्रीन देखो स्क्रीन फ्रीज है मेरे ख्याल देखो चेक करो रुको अब चेक करो अगर आ गए स्क्रीन तो प्लीज फुल स्क्रीन कर देना चलो इतने स्क्रीन आएगी हम भाई के बाद वैसे डिस्कस कर लेते हैं बड़ा हम सब ने मिलकर संविधान बनाया एमएलए पीज उन्होंने संविधान का चेता करा बड़ा जो संविधान बनाया वो एज इट इज है वो भी बदल सकता है मतलब उन्नीस सौ में जो संविधान लागू हुआ था आज तक देश में वही संविधान एज इट इज लग रहा है उसमें भी अमेंडमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है आती है शायद आपने आज बचपन में जीएसटी या इनकम टैक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जीएसटी के बारे में बेटा आज आप में अगर सुबह थोड़ी सी चर्चा करी मे भी आपको थोड़ा सा बताओ कि जीएसटी लाने से पहले i mean I'm में मैंने आपसे ले रखा है वो बात अलग है लेट्स आपको की फीस बताएगी उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो उसमें टेक्निकली फीस से पैसा देना है तो ये बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है अभी तक आपको इसका बर्डन फील नहीं हो रहा होगा पर गया आपकी जेब से जमा में एन इनडायरेक्ट टैक्स रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते बेटा बिल आता है वहां पर भी आपका पांच परसेंट का जीएसटी लगा होता है तो रेस्टोरेंट में खाना तक बेटा आप कभी भी सुबह साबुन का इस्तेमाल करते हो टूथपेस्ट है टूथब्रश है दालों का इस्तेमाल करते हो दूध है पनीर है यू यू आर यूजिंग टू टू यूज ऑल थिंग्स हैव पे जीएसटी इन कंट्री आप उसके लिए सरकार को टैक्स देते हो और उसके बाद बेटा ये सब करने के बाद जो कमाओगे उस पर भी टैक्स देते हो और ये टैक्स का पैसा जाता किसके पास है सरकार क्योंकि आपके पैसे से ही देश चलता है कनीवेज ये जीएसटी था बेटा तो जीएसटी लाने से पहले संविधान की अमेंडमेंट जरूरी थी बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किए जीएसटी को लाना संभव नहीं था क्योंकि जीएसटी के आने से पहले हमारे देश में एक्साइज होता था

और ही कहता है जी कि मेरे को बदलने के तीन तरीके हैं मेरी कुछ बातें तो पार्लियामेंट बदल सकती है सिंपल मेजोरिटी से मेरी कुछ बातें पार्लियामेंट बदल सकती है स्पेशल मेजोरिटी से पर मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको बदलने के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी भी लगेगी और मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल भी लगेगा तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो हो सकता है पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आपको लेना पड़ता है अप्रूवल और वो अप्रूवल लेने के तरीके होंगे वो डिपेंड करेगा आप कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी बात में अमेंडमेंट लाना चाहते हो कुछ प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी ऑफ दी पार्लियामेंट से अमेंड होते हैं कुछ प्रोविजन मेजोर सॉरी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ दी पार्लियामेंट से अमेंड होते हैं एंड कुछ प्रोविजन स्पेशल मेजोरिटी ऑफ दी पार्लियामेंट प्लस मेजोरिटी ऑफ दी स्टेट फॉर एक्साम्पल बेटा जो जीएसटी लाना था जीएसटी बहुत क्रुशल था इसलिए जीएसटी लाने से पहले स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेजोरिटी स्टेट्स का अप्रूवल लगा था तब जाकर जीएसटी आ पाया वरना जीएसटी आ ही नहीं सकता था तो इसलिए अमेंडमेंट का तरीका संविधान में है दैट इज हाउ यू कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन चलिए बेटा तो यहां पर एक ब्रेक लाना चाहेंगे आप छुट्टी कर दू तुम्हारी पर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा सॉरी स्पेशल मेजोरिटी वहां पर आपके टू थर्ड का अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा वो सब नहीं जाएंगे वरना तो पूरा संविधान पढ़ना पड़ जाएगा पूरा संविधान पढ़ने के लिए एक अलग से बैच लगाना पड़ जाएगा तो उस तीन बातें हमने जान ली जो हमारे बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी थी एनी वेज बेटा यहाँ पर ब्रेक लेना चाहेंगे छुट्टी कर दें दो चॉइस है तुम्हारे पास या तो पढ़ते रहते हैं टॉपिक खत्म होते ही छुट्टी कर दूं या अभी ब्रेक ले लो फिर टॉपिक पढ़ ले दें जैसे तुम्हारी सलाह अभी थोड़ा सा पढ़ना है ना आज हैंडआउट दिया अब इसका इस्तेमाल भी कर लेना थोड़ा सा वरना इसका फायदा नहीं है तो बता दो थोड़ा सा हैंडआउट पढ़ लें फिर छुट्टी कर दें या अभी छुट्टी या ब्रेक लेना चाहोगे जैसे तुम कहो कितने बजे अगर सर ब्रेक दे दो अभी कितने बजे नहीं सर थोड़ा पढ़ा लो फिर छुट्टी कर देना बाकी सब हम सब बिना पड़े छुट्टी ले रहे हैं हम जा रहे हैं चलो तो बेटा लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद मिलते हैं अभी आपका चार बजकर थर्टी फोर मिनट है चार बजकर पैंतालीस मिनट तक बहुत है ब्रेक फोर्टी फाइव तक इट्स इनफ चलो कुछ बोल नहीं रहे तो इट्स इनफ लाइव स्टूडेंट्स प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे जो यूट्यूब पर कनेक्टेड है आई होप uh, अब ऑडियन वीडियो प्रॉपर है बीच में एक छोटा सा ग्लिच था बट आई गेस नाउ इट सॉर्टेड चलिए गैस लीजिए आप लोग भी एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद uh, किसी को कोई डाउट है तो एम सेटिंग यार आप पूछ सकते हैं

आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि एक एलिजिबल वोटर को वोट देने से पहले जरूर पता होनी चाहिए जैसे जिस इलेक्शन में हम वोट देने जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है इलेक्शन प्रोसेस को जानने से पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडियन पार्लियामेंट मतलब भारतीय संसद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू हाउसेज से मिलकर बनता है राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा लोअर हाउस पार्लियामेंट अपने इन दो हाउसेज की मदद से लॉ यानी कानून बनाता है और लॉज पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा उसको पूरे देश में लागू किया जाता है।, है पहले श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट थे अब तो द्रौपदी मुर्मू जी है ठीक तो 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 वीडियो पुरानी इतना आप एडजस्ट कर लोगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राज्यसभा में मैक्सिमम हो सकते हैं एंड करंट लॉज एंड प्रोविजन के हिसाब से इसमें टू हंड्रेड फोर्टी फाइव मेंबर्स हैं एंड वही लोकसभा में मैक्सिमम फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू हैं इसमें ध्यान रखना बेटा पहले लोकसभा में फाइव फिफ्टी टू परमिटेड पर 2019 में संविधान में कमेंटमेंट आई थी तो जो दो मेंबर प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के इलेक्ट किया करते थे वो हटा दिया गया तो आज के दिन में तो मैक्सिमम पॉसिबल सीट्स इन लोकसभा इट्स 550 फिफ्टी टू नहीं है आज के दिन में साढ़े पांच ही सीट लोकसभा में पॉसिबल है वो ध्यान रखिएगा और अभी आगे बोलेगा फाइव सीट है वो फाइव हो गई है जैसे वो दो मेंबर हटे तो नाउ फाइव फोर्टी थ्री आते हैं एंड करेंटली इसमें फाइव सीट्स हैं तो ये सारे मेंबर्स संसद भवन यानी द हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो कि दिल्ली में है उसमें मीटिंग करते हैं लॉस से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं ये मीटिंग्स प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है जिनके पास इस मीटिंग को बुलाने और रद्द करने के राइट्स होते हैं तो ये हमने समझा कि बेसिकली पार्लियामेंट होती क्या है बट हमारा मेन फोकस है कि ये जो पार्लियामेंट मेंबर्स है इनका चुनाव कैसे होता है तो इस टॉपिक से हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया तो बेसिकली थ्री टाइप्स के इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन राज्यसभा इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इसके इलेक्शन हर पांच साल में होते हैं एंड इसके मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है इस पर्पज के लिए जैसा मैंने बताया कि करंटली फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव सीट्स हैं जिसमें से दो सीट्स एंजेलो इंडियन कम्युनिटी को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं तो बची सिर्फ फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री सीट्स जिनके लिए वोटिंग होती है तो इन सीट्स को हर एक स्टेट को अलग अलग एरिया में डिवाइड करके नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं एंड हर एक स्टेट की लोकसभा सीट्स फिक्स्ड होती हैं जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं फॉर एग्जांपल 2014 जनरल इलेक्शन में दिल्ली में सात लोकसभा सीट्स थी

एनडीए से टोटल थ्री हंड्रेड सिक्स जिससे उनकी पार्टी जीत गई थी उसके बाद जो विनिंग पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है ये लोकसभा मेंबर्स जो में हैं वो वोटिंग करके प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं आने वाले लोकसभा इलेक्शन अप्रैल एंड मे टू हो ही चुके हैं अब इसके बाद पांच साल के बाद अगले इलेक्शन कब मैं ट्वेंटी में हुए दो हजार उन्नीस में अब कब होंगे 2024 में तो बेटा अगले साल 2024 में आपके नेक्स्ट इलेक्शन रहेंगे और ये वाले जो कौन से होंगे राज्यसभा के 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 स्टेट के या लोकसभा लोकसभा इलेक्शन होंगे अब बात करते हैं अपर हाउस की यानी राज्यसभा की राज्यसभा का इलेक्शन सिस्टम लोकसभा से बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि जैसे लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है जिसमें एम वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं राज्यसभा में टू फिफ्टी हैं जिसमें से 238 हंड्रेड थर्टी एटर्स को अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के एम एल एज इलेक्ट करते हैं और बाकी ट्वेल्व को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं कंडीशन ये है कि इन बारह लोगों को आर्ट साइंस लिटरेचर या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर एंड एक्ट्रेस रेखा को दो हजार बारह में इसके अंडर नॉमिनेट किया गया था हर एक स्टेट की राज्यसभा सीट्स फिक्स होती हैं एक स्टेट कितने राज्यसभा मेंबर्स भेज सकती है

एस सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं ये एस सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर हम इसको अभी समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर जो है विधानसभा इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो विधानसभा इलेक्शन मतलब एक स्टेट में विधानसभा के मेंबर्स यानी एम को जनता वोटिंग करके इलेक्ट करती है लोकसभा की तरह हर एक स्टेट की विधानसभा सीट्स भी फिक्स्ड होती हैं। अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर स्टेट के अलग अलग एरियाज में इन एम की सीट्स के लिए चुनाव लड़ते हैं इसके इलेक्शन भी लोकसभा की तरह हर पांच साल में होते हैं बस तो डिफरेंस ये है कि इसमें अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शन अलग अलग टाइम पर होते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिजोरम आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी भाई अब तो इलेक्शन प्रोसेस की सही तो इस तरीके से बेटा आपका इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर करता है वर्क और बेटा एक छोटा सा सवाल और ब्रेक में आया था कि लेट से दिल्ली में इलेक्शन हुए है दिल्ली में बेटा लट से सौ सीट्स थी और अलग-अलग पार्टीज -अलग ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया और सिर्फ 30 30 30 10 सीट पार्टीज में आप पाए किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी जितनी सीट मिली नहीं फिर क्या होगा बेटा फॉर एग्जांपल आज अगले साल लेट्स से इलेक्शन हुए 500 सीट थी लोकसभा में 200 बीजेपी को मिल गई 200 कांग्रेस को मिल गई 100 आम आदमी पार्टी को मिल गई तो किसी के भी पास इतनी सीट है ही नहीं कि लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी हो फिर क्या होगा फिर बड़ा वो गठबंधन की सरकारें बनती हैं गठबंधन की सरकारें कभी भी स्टेबल नहीं आ जा जाती वहां पर दो आपस में मिलकर वो कहेंगे जी हम सरकार बनाएंगे कुछ मिनिस्टर मेरी पार्टी के होंगे कुछ मिनिस्टर आपकी पार्टी के होंगे पीएम मेरी पार्टी का होगा पीएम आपकी पार्टी का हो वो सारे डिस्कशन चलती है फिर वो गठबंधन से वो इलेक्शन होते हैं तो गठबंधन की सरकार वहां पर आ जाती है तो बेटा ये आज के बाद हमारे इलेक्शन प्रोसेस की बात पर समाप्त आपको बस जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतनी सी बात की कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी कानून बनाने की पावर किसको दे रखी है पार्लियामेंट को कानून चलाने की पावर किसको दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट और कानून के लिए तीसरा पिलर कौन सा जाता है जुडिशियरी और बेटा हमारे देश में कानून पार्लियामेंट बनाएगी ये अगर लिखा है तो कहां पर लिखा है संविधान में और संविधान में कहां पर लिखा है संविधान के बेटा आर्टिकल नंबर टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव तो आज ये बेटा आपको एक हैंड मिला होगा और उसकी जरूरत आपको पड़ेगी तो बड़ा अगर आप इस हैंडट पर आएंगे यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल टू फोर्टी फाइव तो ये आर्टिकल 245 है जैसे मैंने कहा था बेटा किसी भी एक्ट में सेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें आर्टिकल्स कह देते हैं और देखते हैं हमारे संविधान का आर्टिकल 245 क्या कहता है ये कह रहे जी सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया रुक जाते हैं यहाँ पर कि इंडिया ये उसके हिस्से के लिए कभी भी अगर कानून बनाने की बात आएगी तो बेटा हमारे संविधान ने वो कानून बनाने की पावर किसको दे रखी है पार्लियामेंट लास्ट बार बता दो पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तो वो कानून बनाएगी पर बेटा साथ साथ ही संविधान ने एक बात और बोल दी और अगली लाइन पढ़कर बताना क्या हमारे देश में सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बनाती है या किसी और और को को भी अथॉरिटी है तो एक पर्सन अथॉरिटी दे दी गई किसको द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बस उसे क्या कहा गया आप जब कानून बनाओगे आप कानून क्या पूरे इंडिया के लिए बना सकते हो नहीं आप कानून कहां के लिए बनाओगे अपने स्टेट के लिए। दिस इज़ हाउ वी फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर कि हमारे देश में पार्लियामेंट भी है और स्टेट लेवल पर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है तो बड़ा सेंटर लेवल पर मोदी जी आप कानून बनाते रहे ना आपकी पार्लियामेंट कानून बनाएगी पर अगर यूपी के लिए कोई कानून बनाने की बात आएगी तो क्या योगी जी यूपी के लिए कानून अलग से बना सकते हैं Yes, क्योंकि वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी पार्टी की maturity. तो ध्यान रखना नॉर्मली हम कह देते हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट कानून बनाती है पर वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं है क्योंकि संविधान ने पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को भी वो पावर प्रोवाइड की हुई है तो ये दो लोग हैं जो हमारे देश में कानून बनाने की पावर रखते हैं फॉर एग्जाम्पल बेटा जीएसटी की थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी जीएसटी में थोड़ा सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ पढ़ा है अभी नहीं चलो नहीं पढ़ा सीखोगे कुछ वहां पर स्टेट जीएसटी आता है जो कुछ स्टेट्स ने बनाया हुआ है कुछ सेंटर ने बनाया यू अंडरस्टैंड दैट तो कभी कभी बेटा जो कानून है वो पार्लियामेंट बनाती है और कभी कभी कानून बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी है फॉर एक्जाम्पल बेटा एक कानून का अगर एग्जाम्प ले इनकम टैक्स एक्ट आपके सिलेबस में इनकम टैक्स एक्ट हमारे देश में किसने बना रखा है किसी स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने और वो पूरे भारत के लिए इकट्ठा अप्लाई करता है या नहीं टलीस टू एंटायर इंडिया एंड दैट इज मेड बाई पार्लियामेंट और नॉर्मली लोगों को बेटा अपनी कमाई पर नॉर्मली अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है कितना टैक्स देना पड़ता है जनरली तीस परसेंट हालांकि आप सीखोगे टैक्स कितना जाता है बट जनरली थर्टी परसेंट कह रहा हूं फॉर एक्जाम्पल अगर आपने एक करोड़ रुपया कमाया बेटा उसमें से तीस लाख कौन ले जाएगी सरकार जनरली एक करोड़ हाँ पता है सर चार्ज भी है स्लैब भी है जनरली बार बार जनरली इसलिए कह रहा हूं नालायक तो अगर आपने एक करोड़ कमाया हुआ है तो तीस लाख सरकार ले जाएगी मतलब सरकार कह रही एक करोड़ कमाओगे तो तीस हमारा है और बेटा उस एक करोड़ में से तुम्हारे पास कितना बचा सत्तर का क्या करोगे खर्चा करोगे कुछ घर खरीदोगे कोई जगह खरीदोगे कहीं घूमने जाओगे वहां पर क्या दोगे जीएसटी तो इसे सरकार कहीं से भी नहीं छोड़ेगी तुम्हें घर खरीदोगे तो स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी ठीक घूमने फिरने जाओगे उस पर जीएसटी देना पड़ेगा तो सरकार तो बेटा हर जगह से आपको घेरती है सरकार आपसे कहां से पैसा बनाती है आपको पता भी नहीं है जानना चाहोगे सरकार कहां कहां से पैसा बनाती है कहां कहां से बनाती है बताओ इनकम टैक्स तुमने बता दिया जीएसटी तुमने बता दिया और और कहां से तुमसे पैसा कहां से बनता है बेटा अगर तुम कमर्शियली दिल्ली के अंदर कोई भी गाड़ी भेज रहे हो तो सौ रुपये का एक टोल लगता है सौ रुपए का टोल आपको देना पड़ता है बेटा कोई भी गाड़ी खरीदते हो सरकार का यह बेटा टैक्स अलग है गाड़ी खरीदने पर जीएसटी अलग है पर गाड़ी चलाओगे तो आपकी सड़कें खराब होगी ना तो आपने जो इनकम टैक्स या जीएसटी दिया उससे हम रोड नहीं बनाएंगे जब आप वो गाड़ी खरीद के उस सड़क पर चलाओगे उसके लिए रोड टैक्स अलग से दो और पॉल्यूशन जो करोगे उसके लिए ग्रीन टैक्स अलग से दो तो वो अलग से से लगेगा आपके ऊपर और इसके अलावा कहां बड़ा कभी भी कोई घर खरीदते हो कभी भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो कभी भी किसी को चिट्ठी भेजते हो उस पर जो स्टैंप चिपकाते हो दैट इज ऑलो द रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट उसका पैसा भी बेटा पेट्रोल भराओगे पेट्रोल भराने पर क्या जीएसटी या बैट वगैरह देना पड़ जाता है आप बिल्कुल एक्साइज या बैट पे करते हो बेटा उसके बाद जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी आपने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर तेल भराया बेटा आपने इंडियन ऑयल के लिए सरकार को टैक्स तो दे दिया पर जो इंडियन ऑयल का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी किसकी जेब में जाएगा सरकार इंडियन ऑयल एक सरकारी कंपनी है उसमें शेयर होल्डिंग किसकी है सरकार की तो वहां से भी सरकार पैसा बनाती है बेटा इतनी जगहों पर तुम अभी स्टूडेंट हो पर खुद से तुम अभी इतना टैक्स पे कर जाते हो तुम्हें पता भी नहीं होता अब अपनी पॉकेट से बहुत पैसा पे करो बेटा टैक्स वसूलना कोई कभी भी बुराई नहीं है बस होना क्या चाहिए इस पैसे का सही इस्तेमाल जब ये पैसा सही से इस्तेमाल नहीं होता स्कैम्स में खराब हो जाता है या गलत जगह पर इन्वेस्ट हो जाता है गवर्नमेंट लॉसेज हो जाता है तब ये चीज गलत होती है तो इसलिए वो गलत है टैक्सेस तो चलो क्या किसी भी कंट्री को रन करने के लिए चाहिए और अगर पैसे का अच्छे से इस्तेमाल होगा तो टैक्सेस भी बट कमिंग डाउन टू द टॉपिक तो हमारे संविधान ने बेटा कानून बनाने की पावर दे रखी है पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट हटाइड बताना बेटा इनकम टैक्स किसने बनाया मोदी जी ने योगी जी ने मोदी जी ने और मोदी जी वाला इनकम टैक्स सिर्फ यूपी पर लग रहा है पूरे इंडिया पर लग रहा है तो सौ में से बेटा तीस रुपए तो तुमने किसको दे दिए मोदी जी को योगी जी कह रहे हैं बेटा जितने भी यूपी के बच्चे हैं या जितने भी यूपी के लोग हैं मैं उनके लिए भी आज एक एक्ट एक पास करना चाहता हूं यूपी इनकम टैक्स एक्ट क्यों नहीं होगा वो कह रहे हैं मेरे पास पावर है बच्चे ऐसे थोड़ी ना होगा बच्चे दो बार थोड़ी ना देंगे टैक्स सर ऐसी क्या बात है मतलब मोदी जी 30 रुपए ले जाएंगे योगी जी ने भी कानून बनाकर कहते मुझे भी 30 रुपए दे दो 40 रुपए <laughs> हाँ जी और योगी जी की देखते देखते केजरीवाल जी कह रहे हैं अब दिल्ली में मैं भी इनकम टैक्स लगाता हूँ फिर क्योंकि कानून बनाने की पावर मेरे पास है संविधान पावर दे रहा है तो संविधान ने लिखा है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून बना सकती है देख हम देख खट्टर जी कह रहे हैं मैं भी हरियाणा के लिए करूंगा सारे आप आगे आगे बहुत अच्छे अब दिक्कत क्या है भाई संविधान ने पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को कानून बनाने की पावर तो दे दी पर बेटा क्या इनकी पावर्स को डिवाइड करना जरूरी है या हर टॉपिक पे दोनों में से कोई भी कानून बना पाए तो बेटा संविधान ने उस चीज का ध्यान रखा और उन्होंने क्या कहा हम आप दोनों को कानून बनाने की पावर दे तो रहे हैं पर पार्लियामेंट आप जिस मर्जी मुद्दे पर उस पर कानून नहीं बना सकते आप सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स पर ही कानून बना पाओगे और सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स पर स्टेट ही कानून बना पाएगी और वो बात उन्होंने संविधान के इससे अगले आर्टिकल में ही लिख डाली एंड दैट वाज आर्टिकल 246 और मैं चाहूंगा बेटा इसका फोर्टी सिक्स का क्लॉज वन पढ़िए और क्लॉज वन ने क्या कहा नॉट विदिंग एनिथिंग टू एनी ऑफ मैटर्स इनटेड इन लिस्ट वन इन इज तो जी संविधान ने क्या कह दिया जी पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी उन मुद्दों पर कानून बनाने की जो मुद्दे इसी संविधान के एंड में एक स्केड्यूल साथ है उसके साथ एक लिस्ट वन है जो मुद्दे उस लिस्ट वन में लिखे हैं उन पर कानून सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है और बेटा उस लिस्ट को हम नाम क्या देते हैं यूनियन लिस्ट बचपन में शायद सुना होगा बेटा यूनियन लिस्ट में जोन जोन से मुद्दे लिखे हुए हैं उन पर कानून सिर्फ कौन बना पाएगी पार्लियामेंट स्टेट आप उस पर कानून नहीं बना सकते और बेटा इनकम टैक्स का मैटर अगर लिखा होगा तो कहां लिखा होगा यूनियन लिस्ट इसलिए बेटा इंडिया में कितने इनकम टैक्स है सिर्फ

और 245 ने कह रखा है कि मैं अपने स्टेट के लिए कानून बना सकता हूं राजीव सी बात पर बात में दम भी है मतलब योगी जी क्या कह रहे हैं योगी जी कह रहे हैं जज साहब मुझको दो सौ में जाने की जरूरत ही नहीं है 245 ऑलरेडी मुझे वो पावर दे रहा है तो मैंने तो सिर्फ 245 फोर्टी पढ़ के कानून बना डाला मैं 246 क्यों पढूं तो बेटा अगर आप वो जज साहब हैं या आप सामने वाली पार्टी डिपेंडेंट के लॉयर हैं आप क्या जवाब देंगे हाँ जी बताओ थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ इसका मतलब देना भाई को एक।, एक बार प्लीज स्टैंड अप पास कर दो मोहन यहां से बच्चे पास कर देंगे प्लीज सर मोहन भैया थैंक यू भाई हाँ जी हाँ जी हाँ जी नोट स्टैंडिंग विद एनीथिंग लिखा चलो है। आपने कहा सर हमने जब आर्टिकल 246 पढ़ा

मेरी चलेगी ये कहना चाह रहे हैं इस टाइप के शब्द देखते हो बेटा हम सेक्शन आगे पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वहां पर आपको इस टाइप के शब्दों का प्रयोग दिखेगा सबसे पहली बात यहाँ पर लिख लेना अगर कोई भी सेक्शन इन वर्ड से स्टार्ट होता है बेटा इस क्लॉज को हम एक नाम देते हैं इसको हम बोलते हैं नॉन ऑब्सटेंटेट क्लॉज लिख लेना नॉन ऑब्सटेंटेट क्लॉज That is, किसी भी सेक्शन के स्टार्टिंग में अगर आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाए नॉट विद स्टेंडिंग एनीथिंग तो इसको हम कह सकते हैं ये सेक्शन आपका नॉन ऑब्सटेंटेड क्लॉज के साथ शुरू हुआ है अरे सर वेन इज द न्यू बैथ स्टार्टिंग फॉर मे 2024 हजार चौबीस और नालायक क्या कर रहे हैं मैं भाई क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं चलिए इसको हम कहते हैं नॉट ऑब्सटेंटेड क्लॉज इसका इंपैक्ट क्या है क्लॉज वन क्या कह रहे हैं कानून बनाएगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेड इन क्लॉज टू एंड क्लॉस थ्री मैं चाहता हूं एक बार आप क्लॉस थ्री को और पढ़ ले क्लास थ्री क्या बोलता है यह कह रहे जी सब्जेक्ट टू क्लॉज वन एंड टू लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट ज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ दिस्ट टू इन दिड्यूलो भी कानून बनाने की पावर है पर आप सिर्फ कौन से मुद्दों पर कानून बनाओगे स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर अब आपको बेटा सिर्फ यह बताने है, बाई चांस अगर कोई मैटर गलती से यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में लिख दिया जाए तो कौन प्रिवेल करेगा क्लॉज वन

क्योंकि वन ने क्या कह दिया मेरे अगेंस्ट अगर कोई बात वहां पर लिखी है मुझे फर्क नहीं पड़ता तो कमिंग डाउन टू योर पॉइंट बेटा जो क्लॉज वन है वो किसको ओवर कर रहा है पूरे संविधान को या सिर्फ इस आर्टिकल के क्लॉज थ्री को बेटा योगी जी क्या कह रहे हैं वो तो क्या कह रहे हैं मेरे को दो पढ़ना ही नहीं वो क्या पढ़ना चाह रहे थे सिर्फ दो सो अब बात समझ पा रहे हो माइक अपने बात दैट इज आपने जो पॉइंट पढ़ने की कोशिश करी ठीक तो करी पर क्या ये क्लॉज वन आर्टिकल टू फोर्टी फाइव को ओवर राइड कर रहा है हाँ जी माइक आपके पास से बोलो यस yes, सर क्या क्लॉज वन आर्टिकल टू फोर्टी फाइव को ओवर राइड कर रहा है नहीं नहीं वो सिर्फ किसको 20 20 को ओवर राइड कर रहा है क्लॉज टू एंड को तो क्या योगी जी को हम ये कहते हैं नहीं नहीं योगी जी वहां पर नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है नहीं क्योंकि या तो वहां पर क्या लिख दिया होता नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन आर्टिकल टू फोर्टी फाइव तब तो मैं कह सकता था फिर मैं योगी जी को कहता था देखो जी वहां लिखकर पर वहां तो लिखा ही नहीं अब आपका जवाब क्या होगा कोर्ट में बहस चल रही है जज साहब सामने खड़े हैं आपके बताइए जी लॉयर साहब क्या कहना चाहेंगे देना है भाई को माइक क्या कहना चाह रहे थे तुमने ना अच्छा ये रेस्ट यूर केस अरे जो डिस्कशन हो रही है समझ में आ रही है चलो हाँ जी भाई क्या कहना चाहेंगे आप थोड़ा आराम से सर यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट

245 क्या कह रहा है क्या बेटा 245 में सिर्फ इतना लिखा है कि पार्लियामेंट इंडिया और स्टेट स्टेट के लिए कानून बनाएगा नहीं उसके शुरू में भी कुछ शब्द आए क्या शब्द आए सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन शब्दों का भी बेटा अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि 245 क्या कह रहा है वो कह रहे हैं जी देखो मैं आगे कुछ बात बताने जा रहा हूं पर मैं वो बात बताने से पहले इस संविधान के बाकी प्रावधानों के अधीन हूं मतलब अगर मेरे अगेंस्ट कोई बात किसी और आर्टिकल में लिखी है तो मेरी अथॉरिटी ज्यादा बढ़ी उस दूसरे आर्टिकल की अथॉरिटी बड़ी दूसरे आर्टिकल की अथॉरिटी मुझसे ज्यादा बड़ी दैट इज मेरे को पढ़ते समय संविधान की बाकी बातों को ध्यान में रख लेना तो मैंने कह तो दिया था कि पार्लियामेंट इंडिया के लिए और लेजिस्लेचर स्टेट के लिए कानून बनाएगी पर संविधान ने इससे अगले आर्टिकल में क्या कह दिया कि स्टेट आप जिस मर्जी मैटर पर कानून बना सकते हो या आप सिर्फ स्टेट लिस्ट के मैटर पर कानून बना सकते हो सिर्फ स्टेट लिस्ट बेटा सब्जेक्ट टू इन वर्ड का भी अपना रेलिवेंस है और इसकी वजह से हम योगी जी को कहेंगे योगी जी आप 245 को स्टैंड लोन नहीं पढ़ सकते आपको 246 के अधीन होकर इसको पढ़ना पड़ेगा तो इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखना शुरू करना यही दो के नीचे इसी पेज पर लेक्सेस सेक्शन ट्वेंटी कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन फिफ्टी एंड लेट्स ए सेक्शन हंड्रेड करे सब्जेक्ट टू सेक्शन वन फोर्टी जवाब आपको देने पहले लिख लो फिर जवाब ढूंढेंगे इसका सेक्शन ट्वेंटी में लिखा है नॉट एनीथिंग इन सेक्शन फिफ्टी और सेक्शन हंड्रेड में लिखा है सब्जेक्ट टू सेक्शन वन फोर्टी लिख लो तो बता देना अक्षरा कह इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज अरे इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो नहीं पर लॉ तो जानना है ना लॉ क्या कह रहा है इग्नोरेंस ना, ना लायक

दोनों में क्लैश तो 80 मुझे नहीं मैथ पढ़ के नहीं आया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा पचास प्रिवेल करेगा अस्सी थोड़ा ये भी एक इंटरप्रिटेशन करने में क्या हम अटक गए अरे क्या अटक गए तो इसका जवाब अगर मिलेगा तो कौन से में मिल जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट यही सब सीखेंगे एक तो जवाब मिलेगा अब जवाब के लिए तब तक का इंतजार तो तुम्हें करना पड़ेगा कर लोगे इंतजार चलो करना ही पड़ेगा चॉइस नहीं है एनीवेज आते बेटा टॉपिक पर वापसी बस इतना ध्यान रखना नॉट विद स्टैंडिंग सब्जेक्ट टू इनका अपना इस्तेमाल है तो 245 ने कहा था सब्जेक्ट टू दि प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इंडिया के लिए स्टेट के लेजिस्लेटिव स्टेट के लिए कानून बनाएगी और वो ये बात बोलते वक्त इस संविधान के बाकी प्रावधानों के अधीन था और इसी संविधान के अगले ही प्रावधान ने कह दिया कि जी आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी कि मोदी जी आप भी जिस मर्जी चीज पर कानून बना लो स्टेट आप भी जिस मर्जी चीज पर बना लो ना हम आपकी पावर्स को कर रहे हैं डिवाइड क्योंकि क्लॉज बनने क्या कहा पार्लियामेंट आप सिर्फ कौन से लिस्ट के मुद्दों पर कानून बनाओगे यूनियन लिस्ट और बेटा यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ मुद्दे दिए गए पार्लियामेंट आप सिर्फ वहां कानून बना सकते हो फिर योगी जी पूछ रहे जी मैं कौन से मुद्दों पर कानून बनाऊंगा उनके मुद्दे कहां पर लिखे गए स्टेट लिस्ट और बेटा एक तीसरी लिस्ट शायद आपने और पढ़ रखी होगी कौन सी Concurrent. उस पर कानून कौन बनाता है दोनों दोनों को पावर मिलती है कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पर कानून बनाने की चाहूंगा बेटा आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स एक बार आप तरीके से दोबारा से पढ़ लें अगर आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आई हैं तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा उनके जवाब आप दे जाओगे अभी मोमेंट है रुक जाओ अभी डाउट टॉपिक पुराने दो राहुल कह रहे ये तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूज क्या बात कर रहे हो अच्छा अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ चुके हो तो फिर क्या बताइएगा कि आप सवालों के जवाब देने को क्या तैयार हैं अरे क्या तैयार हैं आप तैयार हैं तो हम सवाल पूछ सकते हैं और समय चाहिए पता नहीं सर देख लो आप अरे हाँ दो मिनट और कोई नहीं टेक यू टाइम सर दो घंटे तो दो हमें हैं कोई नहीं कोई नहीं टेक यू टाइम तसली से पढ़िए ऐसा क्या पढ़ के खोज निकाल रहे हो तुम <laughs> अरे समझ में आ गया तो पार्लियामेंट कौन से मुद्दों पर कानून बना रही है पहला सवाल आपके लिए बाई चांस पार्लियामेंट ने गलती से कोई मैटर यूनियन लिस्ट एज एज स्टेट लिस्ट में लिख दिया गलती से दोनों लिस्ट में तो उस पर कानून कौन बनाएगा पार्लियामेंट या स्टेट पार्लियामेंट क्यों बनाएगी

यूनियन में या कॉन्करेंट में यूनियन में क्यों क्योंकि जी ये रिकॉग्नाइज किया हां yes, हां हाँ, मैं भी वन के अधीन हूं द लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गलती से अगर कोई बात कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट में लिख दी गई तब किसकी बात चलेगी कॉन्करेंट की या स्टेट की कॉन्करेंट की क्यों चलेगी क्योंकि बेटा क्लॉस टू ने क्या कह दिया मेरे को तीन से फर्क नहीं पड़ता और बेटा क्या सेम चीज तीन ने भी रिकॉग्नाइज करी हाँ जी हाँ जी मैं टू के अधीन हूं इज क्लियर तो इस तरीके से आप लॉ में इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे हर सेक्शन में इन बातों की अपनी समझ या इंपॉर्टेंस रहने वाली है तो लास्ट बार रिपीट कर दो बेटा हमारे संविधान में पावर्स की कितनी लिस्ट है तीन कौन कौन सी एक तो आगे आपकी यूनियन लिस्ट इसमें कोई एग्जाम्पल इनकम टैक्स इनकम टैक्स का मुद्दा यहीं पर लिखा हुआ इसलिए बेटा इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट का मैटर है तो इसलिए सरकार ने इनकम टैक्स बनाया हुआ है

क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने वाली बात बेटा कहां लिखी हुई है स्टेट लिस्ट में तो एग्रीकल्चर इनकम इनकम जो टैक्स से है वो कोई बेनिफिट नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट नहीं दे पार्लियामेंट की पावर में ही नहीं है वो चीज वो चाहे भी नहीं लगा सकते इसलिए उनको इनकम टैक्स में वो एग्जाम करना पड़ा क्योंकि बेटा अगर वो टैक्स लगा देंगे तो वो जो कानून बनकर आएगा वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और आपके मेरे जैसा कोई सीए लॉयर सरकार को ही कोर्ट में घसीट कर ले जाएगा और कहेगा जी आपने जो कानून बनाया है वो कानून संविधान के दायरे से बाहर है तो इस कानून को कृपया स्क्रैप करिए जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कानून पढ़ते हो उसको जिंदगी में ब्लाइंडली फॉलो करना जरूरी नहीं होता आप उस कानून की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन कर सकते हो कि जो कानून बनाया गया है वो सही से बना भी है या नहीं दैट इज आपको जो एक्ट बनाकर दिया जाता है वो कहीं कृष्ण जी के द्वारा बनाया गया कानून नहीं है जी ब्लाइंडली फॉलो करना जरूरी ना यू कैन क्वेश्चन दी अथॉरिटी ऑफ दी एक्ट इट सेल्फ प्रोवाइडेड वो एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे को ब्रेक किया तो जो भी कानून बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे को ब्रेक करते हैं वो बिल्कुल आपके लिए केस जैसे आज की क्लास की स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था कि जी आई अमित शाह जी ने दिल्ली की पावर छीनने के लिए कानून पास किया है 110 आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस फाइल करेगी ही करेगी कि जो ये कानून है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उन्होंने संविधान की बाउंड्रीज को तोड़ते हुए कानून बनाया पक्का केस फाइल होगा जीतेंगे नहीं बात पक्का ये केस आएगा ही आएगा ही है तो आप किसी भी कानून कानून को को क्वेश्चन कर सकते हो ब्लाइंडली फॉलो करना आपके लिए जरूरी नहीं होता इज इज क्लियर अरे बनी कुछ बात बेटा आप भी थोड़ी सी अगर पावर दिखाओगे अथॉरिटी दिखाओगे तो आपकी जैसी एक स्टूडेंट थी श्रेया सिंगल स्टूडेंट है मतलब पर जब उन्होंने केस लड़ा था वो इक्कीस साल की थी थी, श्रिया सिंगल और वो गवर्नमेंट को ही कोर्ट में घसीट कर ले गई थी मतलब आप गवर्नमेंट को घसीट सकते हो यू हैव दैट पावर और उन्होंने गवर्नमेंट को कोर्ट में घसीटा था क्योंकि हमारी सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया था जो उनके हिसाब से था अनकॉन्स्टिट्यूशनल जानना चाहोगे क्या वो कानून था तो बड़ा अगर थोड़ा सा भी आपको बता दें ध्यान हो काफी छोटे रहोगे फिर पीछे महाराष्ट्र में एक केस हुआ था महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी हुआ करते थे सुनाया ना आपने जो बाला साहब ठाकरे जी थे बेटा उनकी डेथ हुई थी और उनकी डेथ के ऊपर महाराष्ट्र बंद किया गया था तो महाराष्ट्र के आप जैसे ही कुछ दो बच्चों ने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर सिर्फ ये लिखा था कि इंडिया में इतने सारे लीडर्स की डेथ होती है हम कभी भी भारत बंद या स्टेट को बंद नहीं करते बाला साहब ठाकरे जी की डेथ पर स्टेट बंद क्यों किया गया उन्होंने सिर्फ ये एक स्टेटस अपने फेसबुक पर लगाया था उन दोनों लड़कियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आपने हमारे देश में एक एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसकी बात को ब्रेक किया है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लिखा हुआ था कि आप कभी भी सोशल मीडिया पर जाकर किसी के अगेंस्ट ऐसी बातें नहीं लिखोगे लिखोगे तो तो जेल जेल में में डाला जा सकता है तो बड़ा उन दोनों को उठाकर डाल दिया गया और इस टाइप के बहुत सारे केसेस हुए तब जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थी श्रेया सिंघल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार को ही घसीट दिया उन्होंने कहा जी अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया कैसे ये संविधान के अगेंस्ट है क्योंकि हमारा संविधान हमें देता है फंडामेंटल राइट राइट टू स्पीच और हम उस फंडामेंटल राइट right के दायरे में रहते हुए अपने जो विचार है वो कहीं भी अभिव्यक्त कर सकते हैं इस वजह से ये जो कानून यहाँ पर बनाया है ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है और बकायदा बेटा सरकार ने वो सेक्शन किया डिलीट सेक्शन वो सेक्शन सिक्सटी ए ऑफ दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसे लॉ से हटाया गया दैट इज आप सरकार के कानून तक को क्वेश्चन कर सकते हो वो ध्यान रखना वो हम उस प्रोसेस में इतना फंस जाते हैं कि सीधा कंपनी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पर उसका बैकग्राउंड हमेशा देख लेना कि वो जो कानून बना है वो सही से बना भी है या नहीं यू कैन क्वेश्चन देयर अथॉरिटी तो ये चीज हमेशा ध्यान इज अरे बनी कुछ बात तो बड़ा ऐसा हुआ था और प्रैक्टिकली कई बार इस टाइप के, के केसेस फाइल होते हैं जहां गवर्नमेंट को कोर्ट में घसीटा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा सबकी पावर्स को प्रॉपरली डिवाइड कर रखा है और वो पावर बेटा डिवाइडेड कहां पर है आपकी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट लेट मी जस्ट शो यू एक बात एक छोटा सा संविधान है 400 पेजेस का इसके एंड में वो लिस्ट देखने को आपको मिलेंगी थर्ड स्केड्यूल फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ स्केड्यूल आ गया सिक्स आ जाएगा एंड देन विल कम द सेवन स्केड्यूल अरे अरे अरे

टैक्स इज ऑन इनकम अदर देन मतलब बेटा पार्लियामेंट चाहकर भी ये कानून बना ही नहीं सकती बना दिया तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक रिट पेटिशन फाइल करोगे कहोगे जी संविधान के स्केड्यूल साथ की लिस्ट नंबर वन यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 को ये एट्टी कर रहा है इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उस कानून को बेटा स्क्रैप किया जाएगा तो ध्यान रखना यूनियन लिस्ट में इन टोटालिटी नाइन्टी मैटर्स दिए गए हैं आप सिर्फ इन नाइन्टी मुद्दों पर ही कानून बना पाओगे इसके बाद आती है बेटा आपकी स्टेट लिस्ट इन मुद्दों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट आपकी कानून बनाती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मुद्दा आपका आ गया पुलिस तो जो पुलिस है वो स्टेट्स की अपनी होती है वहां पर आपको देखने को मिलती है दिल्ली उसकी बेटा एक एक्सेप्शन है क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है दिल्ली है यूनियन टेरिटरी यहाँ पर जो पुलिस है वो केजरीवाल जी के कंट्रोल में नहीं है दिल्ली की जो पुलिस है वो सीधा सेंट्रल के कंट्रोल में रहती है बिकॉज दिस इज अन टेरिटरी तो दानक दिल्ली में अगर कहीं भी दंगे वंगे होते हैं उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार नहीं होंगे कौन जिम्मेदार है सीधा सेंट्र तो इसलिए दिल्ली की पुलिस एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ यूनियन टेरिटरी तो बड़ा ये वो मुद्दे आ गए जो कॉन्करेंट लिस्ट के आपके मुद्दे हैं और यहाँ पर टोटल एंट्रीज आपकी आ जाती है सिक्सटी इन 66 मुद्दों पर कभी भी कानून बनाना है स्टेट कानून बनाएगी एंड फाइनली बेटा आ जाती है इन 47, 47, 47 मुद्दों पर अरे बनी कुछ जाते जाते एक और सवाल पूछ पार्लियामेंट कौन से मुद्दों पर कानून बना सकती है जवाब आना चाहिए स्टेट कौन से मुद्दों पर और कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पर कौन कानून बनाएगा और अगर कोई मुद्दा कहीं लिखा ही ना हो तो हाँ जी कोई मुद्दा कहीं लिखा ना हो तो सर ऐसा हो सकता है कि मुद्दा लिखा ही ना हो मुद्दे तो लिखे होंगे ऐसा थोड़ी ना होता है कि मुद्दा ही ना लिखा हो क्या हो सकता है बेटा हो सकता है क्योंकि जिस समय संविधान बना था हो सकता है उस समय वो मुद्दा एग्जिस्ट ही ना करता हो फॉर एग्जाम्पल बेटा क्रिप्टो करेंसी जब उन्नीस सौ में संविधान बना था किसी ने सोचा भी नहीं था क्रिप्टो करेंसी भी कुछ हो सकता है डेटा प्रोटेक्शन बिल किसी को ये नहीं पता था जी कि डेटा का भी इतना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आज बेटा आपका जैसे ही फाउंडेशन क्लियर हो जाता है तो आपके पास इंटर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैसेज आने स्टार्ट हो जाते होंगे आ जाओ जो कोचिंग ज्वाइन कर लो आ जाओ जो कोचिंग ज्वाइन कर लो है आज सबके जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आते होंगे आपके इंस्टाग्राम पर फेसबुक के ऊपर सबके एड्स आने स्टार्ट हो जाते होंगे यूट्यूब पर एड्स आने तो ये जादू जादूर है आपने सोचा और आ गया एल्गोरिथम में बेटा आप सबका डेटा सेल होता है ट्वेल्थ के बाद जैसे आप ट्वेल्थ पास आउट करते हो फाउंडेशन के या दूसरे दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ये डेटा है डेटा का पूरा एक बिजनेस आज के दिन में बन चुका है सीबीएसई सबीएसई आपका डेटा बेचता है आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हो बाहर बंदा आपको पेन या फोल्डर देता है बदले में आपका फोन नंबर मांगता है इज जस्ट कलेक्टिंग डेटा बिकॉज उसकी आज के दिन में बहुत कीमत है तो आपका डेटा इस तरीके से मार्केट में घूम रहा है बेटा क्या इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है तो इसके लिए भी पार्लियामेंट एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आई है एक्ट तो नहीं बनाया पर बिल आ चुका है तो बड़ा ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे तो आज अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जो किसी लिस्ट में लिखा ही नहीं गया आपका दिल क्या कहता है बेटा उस मुद्दे पर कानून बनाने की पावर किसको देनी चाहिए योगी जी को या मोदी जी को That is, कि पावर बेटा किसके पास चाहिए पार्लियामेंट के पास और बेटा सेम बात हमारे संविधान ने भी सुनी संविधान ने ही क्या कह दिया संविधान ने इस चीज के लिए कोई डिबेट छोड़ा ही नहीं और आर्टिकल 248 में संविधान ने क्या लिख दिया दैट पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ नी मैटर नॉट अनिमिरेटेड इन कॉन्ट या लिखा ही नहीं गया तो उस पर कानून बनाने की ऑटोमैटिकली पावर मिल जाती है पार्लियामेंट को और सेम बात, की में भी लिखी हुई है और यूनियन लिस्ट की बेटा अगर आप लास्ट एंट्री नाइनटी सेवन देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है एनी अदर मैटर नॉट अनिमिरेटेड इन लिस्ट टू एंड थ्री मतलब अगर कोई मैटर लिस्ट टू और थ्री में नहीं लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली कहां लिखा है इसलिए बेटा यहां से पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर मिलती है फॉर और दी रेजिडरी मैटर मतलब जितने भी मैटर्स बच गए जो कहीं भी नहीं लिखे उस पर ऑटोमेटिकली कानून बनाने की पावर किसके पास है पार्लियामेंट के पास एंड यूजिंग दिस पावर हमारी पार्लियामेंट ने बेटा बनाया है कंपनीज एक्ट दो क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट बनाने की कोई भी स्पेसिफिक एंट्री

और कल की क्लास से आपकी कंपनी सेट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी आपको वॉल्यूम मिल गई होगी नहीं मिली तो बेटा नीचे से ले लेना नेक्स्ट क्लास में हमें किताब काम आएगी तो वो आपके पास होनी चाहिए लाइव स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी डाउट है पूछ लीजिए एक से रुकेगा हाँ कोई नहीं मित्तल आप भी कुछ ऐसे काम करो कि आपका भी कोई इंतजार करे न लाइव स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ गुड एन आस्क हर्ष आपने अगर ऑर्डर प्लेस कर चुके हो आप जी डी पी डी या लाइव वट एवर बी द केस आपकी बुक ऑलरेडी डिस्पैच हो गई होगी आपके पास ट्रैकिंग डिटेल्स आ गई होंगी जनरली टेक्स टाइम लाइन ऑफ थ्री टू फोर डेज डिपेंडिंग की आप कहाँ पर रहते हो इंडिया में तो बुक आपके पास पहुँच गई होगी पहुँच जाएगी एक चीज़ और चलो मैं लाइव स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि बुक पहुंचने में किसी किसी को डिले हो सकता है क्योंकि आप इंडिया की दूसरी जगह पहुंचते हैं आप आज क्लास ऑर्डर कर रहे हो तो मैं जो आपका चैप्टर नंबर वन है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा ठीक आज आई विल बी अपलोडिंग दैट पीडीएफ तो अगर किसी के पास बुक नहीं है मीन वाइल आप उससे अपना काम चला सकते हो बट दिस विल बी द ओनली एंड द लास्ट पीडीएफ ऑफ एनी चैप्टर दैट आई एल बी प्रोवाइडिंग तो सिर्फ चैप्टर वन आपको मिल जाएगा उससे आपकी इनिशियल क्लासेस ईजिली मैनेज हो जाएगी मैक इनिशियल फोर फाइव क्लासेज विल बी लाइव नॉट मोर देन दैट आशी में मैंने बुक्स के लिए आपको बता दिया है यू वेलकम स्वागत थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग निहारिका के सर राइट नाउ वी विल रिसीव ओनली वन बुक ऑफ लॉ यस निहारिका अभी आपको सिर्फ वन बुक मिलेगी तीनों बुस जैसी प्रिंट होकर आ जाएंगे वो तीनों आपकी इकट्ठे डिस्पैच होंगे एक साथ हम भेज देंगे आप एक्सपेक्ट दो हफ्ते एट द मैक्स मानकर चलना सारी बुक्स प्रिंटिंग में ऑलरेडी गई हुई है आशी में सर टेंथ जुलाई को मे बी आशी में आपकी डिटेल्स लेट आई हूँ क्योंकि वॉल्यूम वन प्रिंट होकर आई थी आपकी शायद पाँच छः अगस्त के आसपास नया सिलेबस आया था तो मेरे को पूरी बुक अपडेट करनी थी पर न्यू सिलेबस तो पांच-छह अगस्त को प्रिंट होकर आई थी डिस्पैच हो चुकी होगी आई होप आपके पास ट्रैकिंग डिटेल है मीन मैंने कहा है चैप्टर नंबर वन का पीडीएफ आई एफ फाइल भी अपलोडिंग वहाँ से आप मैनेज कर पाओगे सृष्टि आपके पास डेफिनेटली आई होगी आपने जहाँ भी ऑर्डर प्लेस किया एक बार वहाँ बात करिएगा प्लीज कल तो रहे है हैं अभी सैटरडे का देखते हैं थैंक यू बी मित्तल फॉर योर अप्रिसिएशन शुभम जी डी लिंक आपको जल्दी मिल जाएगी इनिशियल चार पाँच क्लासेस जैसा मैंने कहा यूट्यू पर रहेंगे वो इसी वजह से रहेंगी ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना जी डी लिंक आपको बड़ी जल्दी आने स्टार्ट हो जाएंगे आज फर्स्ट क्लास अब रिकॉर्ड हुई है तो अब इसको मैं जी डी पर अपलोड कर पाऊंगा चलेगा इस और कोई डाउट एज सच मेरी स्क्रीन पर नहीं है अगर आपका कोई डाउट रह गया होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना टेक केयर बाय